हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सभी? जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सब बच्चों को जय हिंद। क्या हाल चाल है जी सभी के? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, लल्लन टॉप होंगे, जकास होंगे। जय हिंद जय हिंद। एक बार सारे बच्चे जो है वो जय हिंद कमेंट कर दो, शाबाश। क्या हाल चाल है जी सभी के? बढ़िया। सिस्टम हैंग कर रखा है। राम राम भाई। नैतिक यादव, कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं जी, आप लोगों से मिलकर और ज़्यादा अच्छे हो गए। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सब बच्चों को जय हिंद। तो एक चीज़ तो मैं क्लियर कर देता हूं पहले ही कि बाइनोमियल थ्योरम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन होगा, बिल्कुल होगा। मैं एक सेशन लूँगा जिसमें PYQ सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिसमें सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट भी होगा और PYQ भी होंगे, लेकिन PYQ का अलग से सेशन स्टार्ट करूँगा मैं, एक सीरीज जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है ना? क्लियर है? जय हिंद सब बच्चों को जय हिंद। बहुत बढ़िया। एकदम बेसिक से आज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं। इसमें सारे टाइप के कंसेप्ट मैं आपको करवाऊंगा और जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो भी साथ के साथ मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा और याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही आसान होता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसके क्वेश्चन रिपीट होने का चांस भी अच्छा खासा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसके जो PYQ है अच्छे से आप लोगों को करने हैं और जिस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सेम उसी कंसेप्ट से रिलेटेड उसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना? जय हिंद सर जी, स्माइल कर दो, स्माइल तो स्माइल ही है। स्माइल तो करता रहता हूँ। एकदम बढ़िया मामला ओपी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर बढ़िया चैप्टर है अलजेब्रा का, 4 से 5 क्वेश्चन की वेटेज रखता है और बहुत ही शानदार इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके पूरा कंसेप्ट लिखवाऊंगा, एक एक करके। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि मैं आराम से कराने वाला हूं, एक एक चीज़ें बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। ओके सर जी, क्रैश कोर्स के बारे में बता दो बेटे। 15 मार्च से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन के अंदर, ठीक है जी। 15 मार्च से क्रैश कोर्स है, वो एक प्रैक्टिस कोर्स है जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई बच्चा अगर ये सोच के आ जाए कि कंसेप्ट भी पढ़ाया जाएगा, नहीं। हाँ, बेसिक जरूर बता दिया जाएगा आपको, कोई पॉइंट ऐसा है जिसका कंसेप्ट जरूरी है तो वो बता देंगे, बट वो एकदम प्रैक्टिस कोर्स है 15 मार्च से जो स्टार्ट हो रहा है। और लिंक शायद हाँ कमेंट बॉक्स में पिन भी कर रखा है, आप रजिस्टर भी कर सकते हो ऑफलाइन के लिए, जिसके अंदर हम जो है वो आपको सारा कंप्लीट सिलेबस की प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग रहेंगे, प्लस में प्रैक्टिस बुक PDF भी दी जाएगी, मतलब प्रिंट भी दिए जाएंगे। हर एक चैप्टर के 60 से 70 क्वेश्चन आपको DPP भी मिलेगी, ठीक है। तो वो DPP भी मिलेगी चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेशंस भी अलग से होंगे क्लास के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जय हिंद जय हिंद। कितनी फीस है सर? 11,000 रुपये फीस है, जिसमें 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, तो वो बाकी 10,000 रुपये आपको अकेडमी में पे करने पड़ेंगे। और सबसे कम प्राइस है हमारे क्रैश कोर्स का, जो ऑफलाइन का क्रैश कोर्स है उसका सबसे कम प्राइस जो है वो हमारी एकेडमी का है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो चैप्टर है हमारा बच्चे क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। चैप्टर हमारा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से समझते जाना बेटे, कोई भी डाउट हो देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हमने आज तक स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, वो भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट। जैसे अगर मैं बोलूं कि 16 का स्क्वायर रूट बताओ तो आप कहेंगे जी 4, और मैं आपको बोलूं कि 9 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 9 का स्क्वायर रूट सर जी 3 हो गया। अगर आपको बोला जाए कि 4 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 4 का स्क्वायर रूट सर 2 हो गया। अगर आपको बोला जाए 25 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आपने कहा जी 5 हो गया। अगर आपको बोला जाए कि 1/4 का स्क्वायर रूट बताओ, तो जी 1/2 हो गया। अगर बोला जाए 1/16 का स्क्वायर रूट बताओ, जी 1/4 हो गया। मतलब आज तक हम लोगों ने क्या किया था, एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट किया था। हमने आज तक क्या किया था, एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट किया था। बात कहाँ पे फंस गई, मतलब रजिया गुंडों में कहाँ पे फंसी, जब आ गया नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे -25 का स्क्वायर रूट बताओ। अब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो हमने किया है, लेकिन जब नेगेटिव नंबर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर तो गड़बड़ हो गई। फिर क्या किया, अगर नेगेटिव नंबर में स्क्वायर रूट है, देखो माइनस का 25 है, तो क्या आप इसको 25 में माइनस का 1 लिख सकते हो? क्या इसको आप 25 में माइनस का 1 लिख सकते हो? बिल्कुल। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 25 का स्क्वायर रूट अलग और -1 का स्क्वायर रूट अलग। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, -1 का जो स्क्वायर रूट है उसको आयोटा मान लिया। ये क्या है हमारा, आई जो है वो किसके इक्वल होता है बच्चे, आयोटा। आयोटा मतलब एक इमेजिनरी नंबर, मतलब आयोटा की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, आयोटा की वैल्यू होती है -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है, आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के स्क्वायर रूट के। तो ये कहता है कि जब आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इमेजिनरी बन जाता है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। मतलब 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो गया और माइनस का स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल होगा, आयोटा के इक्वल होगा। ये चीज ध्यान रखना। और ये कोई इंसान जो बहुत ही हेल्दी डाइट आजकल खा रहा है, एकदम चस्का चढ़ गया है। अब एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना बेटे। जब आप लिखते हो ना स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, उसको आप लिख सकते हो सर स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ बी, या आप लिखते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ बी को आप होल लिख लेते हो कि होल स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। ये आप कब लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए कि इस चीज को ऐसे कब लिखा जा सकता है। इस चीज को आप अलग अलग तभी लिख सकते हो या इकट्ठा तभी लिख सकते हो जब ए और बी में एक चीज आपकी नॉन नेगेटिव हो। ये एक चीज ध्यान रखना, अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव है, जैसे ए का -4 और ए का -9, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, -4 इंटू में -9। तो इस हिसाब से तो ये 36 और इसका स्क्वायर रूट कितना, 6 आ जाएगा। याद रखना, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। ये चीज ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज ध्यान रखना कि अगर दो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है और प्रोडक्ट में है तो आप इसको इकट्ठा कभी भी नहीं लिख सकते। प्रॉपर्टी ये कहती है, कंसेप्ट ये कहता है कि आप इस चीज को ऐसे तभी लिख सकते हो जब ए और बी में एक नंबर आपका नॉन नेगेटिव, एटलीस्ट 1 नंबर इज नॉन नेगेटिव, दोनों में से एक नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो कभी भी आप इकट्ठा करके नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान रखना। तो आज तक अगर आप लोग ऐसे करते आए हो तो ये चीज ध्यान रखना, अगर दोनों नेगेटिव है तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में जो इसका आंसर होता है -4 इंटू में रूट -9। तो जब 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 और माइनस का स्क्वायर रूट करोगे आयोटा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई में 9 का जब स्क्वायर रूट करोगे 3, माइनस का जब स्क्वायर रूट करोगे आयोटा, तो ये होता है 6 आयोटा स्क्वायर। क्या होता है, 6 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, -6 के इक्वल होता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनडीए के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी। ए कब लिख सकते हो, जब ए और बी में एटलीस्ट 1 नंबर इज नॉन नेगेटिव, जब ए और बी में एक नंबर आपका जो है वो नॉन नेगेटिव हो तभी आप उसको ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्लियर है? अब सर ये तो हो गया, चलो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी बन जाता है, तो आप इसको 5 आयोटा लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, जरा ध्यान से समझिए। ये कह रहा है एनी नंबर ऑफ फॉर्म, एनी नंबर ऑफ फॉर्म एक्स प्लस में आयोटा वाई। अगर कोई भी नंबर जो आपका x प्लस आयोटा y की फॉर्म के अंदर है, यहां पे x और y जो है वो आपके क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। अगर कोई नंबर जो आपका x प्लस आयोटा y की फॉर्म के अंदर है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस नंबर को क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो। अगर कोई नंबर है जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म के अंदर जिसको लिख सकते हो आप, तो इसका मतलब ये कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2 प्लस में 3 आयोटा, ये इस फॉर्म के अंदर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 माइनस का 4 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1 प्लस में √3 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सीधा मैं 2 आयोटा लिख दूं तो 2 आयोटा को आप लिख सकते हो ना, 0 प्लस में 2 आयोटा, देखो इस फॉर्म के अंदर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं 5 लिख दूं तो 5 को लिख सकते हो 5 प्लस में 0 इंटू में आयोटा, तो आप देखो इस नंबर को भी इस फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ या ना। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 प्लस में 0 इंटू आयोटा, तो हाँ जी इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बात समझ में आई। तो अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम z से डिनोट करते हैं, तो z इज इक्वल टू 2 माइनस का √3 आयोटा, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं लिख दूं z इज इक्वल टू 2, तो इसको आप लिखोगे 2 प्लस में 0 इंटू आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं लिख दूं z इज इक्वल टू में √3 आयोटा, तो आप इसको लिख लोगे 0 प्लस में √3 आयोटा, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है बच्चे? अभिषेक कुमार, थैंक्स फॉर योर सुपर चैट। कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं हम, आपसे मिलके वो ज्यादा अच्छे हो गए। सर आपके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कब से स्टार्ट हो जाएगी? बेटे 2 दिन के गैप पे मैं एक PYQ का सेशन जरूर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है जी, टेंशन मत लो उस बात की। बात समझ में आई। और यहाँ पे एक छोटा सा नोट, सेट ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का सेट होता है, एज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये कि अगर कोई रियल नंबर है, जैसे 2 हमारा रियल नंबर था, इसको मैं 0 आयोटा लिख के कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूं जैसे। लेकिन ये देखो, इसको आप रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे √3 आयोटा है। अब √3 को तो 0 लिख नहीं सकते, आयोटा को रिमूव कर नहीं सकते, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है जी, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी रियल नंबर है उन सभी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सारे के सारे रियल नंबर क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे, क्योंकि हर रियल नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होते। तो यहाँ से एक चीज़ आती है कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन जितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको सभी को रियल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए जो रियल नंबर का सेट होता है, मतलब जो R होता है, वो प्रॉपर सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक चीज बहुत ही अच्छी वाली सिखाने वाला हूं, नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा। अब पहले समझ लेना बच्चे, उसके बाद मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा, ठीक है। पहले आप लोग समझा, उसके बाद में आप लोगों से कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग ध्यान से समझना। आयटा इज इक्वल टू मैंने बताया -1 का स्क्वायर रूट। आयटा की वैल्यू क्या होती है जी? -1 का स्क्वायर रूट होती है। जब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1। याद रखने वाली चीज है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। अगर दोनों साइड में आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां बन जाएगा आयटा क्यूब और इधर आ जाएगा माइनस आयोटा। मतलब आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा हो गई। आयटा की पावर 4, क्या आप इसको आयटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो? और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 1 हो गई। तो आयटा की पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई, आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा होती है और आयटा की पावर स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब यहाँ से एक चीज जो है वो ध्यान से समझनी है आपको, बड़े ही प्यारा सा कंसेप्ट बनकर आता है यहाँ से। क्या चीज? ध्यान से, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा, आयटा की पावर 4 की वैल्यू 1। ठीक है, अब मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखता हूं। आयटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1, मतलब आयटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है, आयटा की पावर अगर किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। जैसे आयोटा की पावर 8 तो वो क्या हो जाएगा? 1। आयोटा की पावर 16 क्या हो जाएगा? 1। आयोटा की पावर 20 क्या हो जाएगा? 1। आयोटा की पावर, आप अगर कुछ भी 4 का मल्टीपल लेते हो, आयोटा की पावर जैसे मैं ले लूँ 148 तो ये क्या हो जाएगा? 1। आयोटा की पावर में 2024 क्या हो जाएगा? 1। आयोटा की पावर में 1048 क्या हो जाएगा? 1। तो आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है जी। दूसरी, 4n प्लस में 1, आयटा की पावर 4n प्लस 1 एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो वो आयटा के इक्वल। आयटा की पावर 4n प्लस 2 तो आप इसको लिखोगे आयटा की पावर 4n इंटू में आयटा का स्क्वायर, हाँ या ना? तो ये तो 1 हो गया, बचा क्या? आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर किसके इक्वल? -1। इसका यूज बताऊंगा मैं, यूज कैसे करना है। ठीक है, आयटा की पावर 4n प्लस में 3 तो आप इसको लिखोगे आयटा की पावर 4n इंटू में आयटा का क्यूब, ये तो 1 हो गया, यह आया आयटा क्यूब और इसकी वैल्यू कितनी? माइनस आयटा। प्लस 4 करते ही वो 4 का मल्टीपल वापस से 1 हो जाएगा, हाँ या ना? वापस से 1 हो जाएगा। तो अब इसका यूज कैसे करना है? जैसे आ गया मान लो क्वेश्चन कि फॉर एग्जाम्पल आयटा की पावर 100 प्लस में आयटा की पावर 99 प्लस में आयटा की पावर में 13 प्लस में आयटा की पावर में 72, बताओ किसके इक्वल है जी? बताओ किसके इक्वल है? मैं आपको बताता हूँ सबसे आसान तरीका। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आयटा की पावर कितना बेटे? 100, इसको 4 से डिवाइड करो। जब 100 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 बचेगा। 100 4 का मल्टीपल होता है, तो मैंने बताया आयटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो 1 हो गया जी। प्लस में 99 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? उतना लिख देना है आपने। जब आप आयटा की पावर 99 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना रिमाइंडर बचेगा? जब आप 4 से डिवाइड करोगे 99 को तो पहले 2 पे जाएगा, 193 रिमाइंडर बचेगा, तो आयोटा की पावर 3 लिख दो। जब यहाँ पावर कितनी है? 13 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, आयोटा की पावर 1 लिख दो। 72 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचता है वो लिखना है। 72 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, और 72 आपका किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है, आयटा की पावर 4 का मल्टीपल 1 हो गया। अब ये देखो, ये आया 1, आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा प्लस में 1, सोल्व होके कितना आ गया? 2, आपका राइट आंसर हो गया जी। बड़ी पावर को सोल्व करना आसान हो जाएगा। आयटा की पावर 101 प्लस में आयटा की पावर 108, बताओ। तो आपको क्या करना है? ये जो 101 है ना, ये जो 101 है इसको 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है आइटा की पावर उतना आ जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल तो 1 हो जाएगा, पीछे जो बचेगा वो हिस्सा हमारे इससे उसमें आ जाएगा। हाँ या ना? समझ रहे हो? अब जैसे 1 है तो 1000 पूरा चला जाएगा, तो ये आएगा आइटा की पावर 1 प्लस में, ये तो 4 का मल्टीपल है इसलिए 1 हो गया जी, तो आंसर आएगा 1 प्लस में आइटा। आंसर आएगा 1 प्लस में आइटा। अगर आपसे ये पूछ ले आइटा की पावर 25 किसके इक्वल है, मैं सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं, आइटा की पावर 25, जब आप 25 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 ना, तो आइटा की पावर 25 जो है वो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो आइटा की पावर 1 के बराबर है, मतलब आयोटा के बराबर है। समझ गए? इस तरीके से जैसे आयोटा की पावर 27 किसके बराबर होगा, तो जब आप 27 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, तो ये किसके बराबर होगा, आयोटा की पावर 3 के बराबर, मतलब माइनस आयोटा के बराबर होगा। इस तरीके से कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो जैसे आ गया आयोटा की पावर 107, तो अब जब आयोटा की पावर 107, 107 को जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 ना, तो 3 बचेगा, तो मतलब ये आइटा क्यूब के बराबर, और आइटा क्यूब कितना, माइनस आइटा। अब बात समझ में आई? इस तरीके से कह रहा हूं, समझ गए? अब समझ गए? तो आइटा की जितनी पावर है तो उसको आप 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचेगा, देखो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, या रिमाइंडर 2 बचेगा, या रिमाइंडर 3 बचेगा, या वो पूरा का पूरा 4 का मल्टीपल हो जाएगा। जब आयोटा की पावर पूरा का पूरा 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब आयोटा की पावर रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा, 4 का मल्टीपल वो तो 1 ही होता है ना। ये चीज क्लियर है? अब मैं आपको लिखवाता हूँ कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, अपनी नोटबुक पे वो सारे रिजल्ट नोट करें फटाफट, उसके बाद उनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसा आता है, ठीक है। अपनी नोटबुक पे सारे रिजल्ट नोट करेंगे फटाफट, उनसे बाद उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आइटा की पावर n प्लस में आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस में आइटा की पावर n प्लस 2 प्लस में आइटा की पावर n प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना, 0। आयोटा की पावर 4 लगातार पावर हो तो उसका सम जो है वो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है जी। बेसिक चीज बता रहा हूं बेटे, कुछ जो है हार्ड बताओ सर बेटे। अनुराग वर्मा, बच्चे बेसिक चीज बता रहा हूं, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आयोटा की पावर 100 का नहीं पूछेगा। कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं ना तो वैसी पावर बन जाती है, ठीक है ना, वहां पे आपको वो चीजें काम आएगी, रुक जाओ। पहले पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जब करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, 2 आयोटा के, और 1 माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -2 आयोटा के। ये रिजल्ट एक बार आप नोट कर लो, इनसे रिलेटेड अभी अभी एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, 1 प्लस आयोटा को जब डिवाइड करोगे 1 माइनस आयोटा के तो वो आयोटा के बराबर होता है, और जब 1 माइनस आयोटा को डिवाइड करोगे 1 प्लस आयोटा से तो वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 4, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है, ठीक है जी, और माइनस का 1 अपॉन आयोटा आपका आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट नोट करना, ये काम आएंगे आपको। पॉइंट नंबर 5, आयोटा की पावर 1/3 तो √3 प्लस में आयोटा डिवाइड बाई 2, और आयोटा की पावर -1/3 तो ये होगा √3 माइनस का आयोटा डिवाइड बाई 2। आयोटा की पावर 2/3 तो ये होगा आपका √3 प्लस में आयोटा डिवाइड बाय और √3 माइनस आयोटा, ठीक है जी। आयोटा की पावर माइनस का 2/3 तो ये होता है जी √3 माइनस का आयोटा डिवाइड बाय √3 प्लस का आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, कोई बता सकता है आयोटा के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस में आयोटा डिवाइड बाय √2 और माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट, 1 माइनस में आयोटा डिवाइड बाय √2। देखो इस बार एनडीए के एग्जाम में, एनडीए 2 2023 की बात कर रहा हूं, एनडीए 2 2023 में माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट पूछा है, माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट। अब आप देख लो लेवल, एनडीए का माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट कितना होगा ये पूछा है। और ये पहली बार नहीं आया एनडीए के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, रिपीट हो गया ना। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन रिपीट होता है, समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसका क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये इस बार आया था। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, रूट आयोटा प्लस में माइनस रूट आयोटा, जब दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है 1/√2 प्लस 1/√2, कितना बन जाएगा? √2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? √2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इन रिजल्ट से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल करवाता हूं, इन रिजल्ट से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है देखिएगा ध्यान से। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए, मैंने यहाँ पे इकट्ठे लिखवा दिए हैं, अलग अलग नहीं लिखवाए हैं, इकट्ठे ही करवा दिए आपको। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा और एक एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे फिर, ठीक है जी? ओके, चलो देखो, पहले एग्जाम्पल देखो। जैसे आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर में 4 और 1 माइनस में आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? तो सिंपल सी चीज है, 4 है तो आप इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो और इसको आप 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ या ना? अब मैंने आपको बताया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 आयोटा के, तो इसका स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 2 आयोटा के, इसका स्क्वायर हो गया। देखो 2 का स्क्वायर कितना? 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर कितना? 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो -4, ये -4, तो आंसर कितना आया? -8 आ गया जी। आंसर कितना आया? -8 आ गया। इस तरीके से समझे, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, आंसर आ गया -8। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करें। जैसे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस में 1 माइनस आयोटा की पावर 6। अच्छा सोल्व करो, शाबाश। अपनी रफ नोटबुक पे सबसे पहले देखता हूं कौन कमेंट कर रहा है, सबसे पहले किसका कमेंट आएगा, शाबाश। देखते हैं, लाइक कर देना सेशन को अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो। देखते हैं जी सबसे पहले कमेंट किसका आता है। बहुत चर्चे हैं सर आपके, मेरे कहाँ चर्चे हैं यार सुधांशु। क्रिश चरण माइनस का 16 आयोटा इसने कमेंट किया है। देखते हैं बेटे क्रिश ने, तो ये है जी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसका पूरे का क्या हो जाएगा? क्यूब। ये है जी 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे का क्या हो जाएगा जी? क्यूब। लिख सकते हो। ये बना 2 आयोटा का क्यूब, ये बना -2 आयोटा का क्यूब। देखते जाना भाई, 2 का क्यूब कितना? 8 आयोटा क्यूब, -2 का क्यूब कितना? -8 आयोटा क्यूब। बेटे 0 आएगा आंसर, 0 आएगा आंसर। भैया ये क्यों भूल जाते हो? माइनस का क्यूब -8 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है। जीरो इज द राइट आंसर। बिल्कुल बातचीत ओपी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईटा की पावर 99 प्लस आईटा की पावर 100 प्लस आईटा की पावर 101 डिवाइड बाय आईटा की पावर में 2 प्लस में आईटा का क्यूब प्लस में आईटा की पावर 4। इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। शाबाश। देखिए अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, मैथ का एक रूल है, कुछ भी चीज़ प्लस माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड भी कर सकते हो, प्लस है तो माइनस कर लो, माइनस है तो प्लस कर लो, हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जो आपको चाहिए आप वो चीज़ें बता सकते हो, हाँ या ना, उसके हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 लगातार पावर है सर, अगर चार होती तो मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, अगर 4 होती तो मेरा फायदा हो जाता। 3 लगातार पावर है, अगर 4 होती तो फायदा हो जाता। तो आप एक अपनी मर्जी से ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो, कर सकते हो ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं सर। यहाँ पे एक की कमी है, 5 होता तो मजा आ जाता, तो 5 प्लस कर लिया, 5 माइनस कर लिया, कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फायदा क्या हुआ, अब ये 3 लगातार पावर 0 हो गई, ये बचा माइनस में आटा की पावर 102 डिवाइड में बचा माइनस में आटा की पावर 5, माइनस से माइनस कैंसल, आटा की पावर ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 102 में से इसको माइनस कर दो, 2 3 97 और रिमाइंडर कितना बच रहा है बताओ मुझे, जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब आटा की पावर 1। यहां पे वो काम आएगा जो मैंने आपको पहले सिखाया था। तो आयोटा आंसर आया कि नहीं आया। 97 को जब 4 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो आयोटा की पावर 1 आएगा आंसर। अब वो पॉइंट काम आया कि नहीं आया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, वो 4 से डिवाइड करने वाला क्यों बताया था। टू कंजुगेटिव ओड पावर, हाँ तब भी हो जाता है क्योंकि वो उसमें से कॉमन लेते ही वो लगातार, एपी में हो तब भी हो जाता है बेटे, अरे वो एपी में होता है तब भी हो जाता है जीरो। रोहित मैं प्रूव करके बता देता हूँ, अपने को टेंशन क्यों ले रहे हो। जैसे आप अगर ऐसे लिखो आईटा की पावर 2 4 और यहाँ 6 और यहाँ 8 है ना, ये है, ये भी 0 ही होगा। ऐसा क्यों, देखो इन तीनों में से आयटा स्क्वायर कॉमन लो, जब आयटा स्क्वायर कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा 1, चाहे आयटा स्क्वायर कॉमन लो, आयटा स्क्वायर कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस में यहाँ क्या बचेगा आयटा स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आयटा क्यूब और यहाँ क्या बचेगा आयटा की पावर कितना बचेगा यहाँ पे 6 ना, सॉरी पावर यहाँ 2 बचेगी, स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगी 4 और यहाँ कितनी बचेगी 6। अब लगातार पावर बना सकते हो, आयटा स्क्वायर 1 प्लस में आयटा स्क्वायर, ये आयटा की पावर कितना है हमारे पास, तो ये बना आयटा स्क्वायर प्लस में आयटा की पावर 4। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, सही लिखा है ना। हाँ एपी में हो तब भी 0 ही आता है, देख लो एपी में हो तब भी 0 आता है। सर गलत है आपका, कैसे गलत हो गया यार। आयटा स्क्वायर ये आया 1, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयटा की पावर 4 की वैल्यू 1, तो आया आयटा स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना 2 माइनस 2, तो ये भी क्या हो गया 0 ही हो गया, 0 ही हुआ ना, कॉमन गलत हो गया। कैसे कॉमन गलत हो गया, आयटा स्क्वायर कॉमन लिया है तो पावर 2 कॉमन लिया है, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगी 2 पावर, यहां बचेगी 4 पावर, यहां बचेगी 6 पावर। अरे 6 में से जब स्क्वायर कॉमन लोगे तो 4 ही बचेगा गधों। बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, कॉमन लेना बता रहे हो। अबे कॉमन ले रहा हूं, एक्स क्यूब में से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो पीछे बचेगा क्या, एक्स, पावर कम नहीं हो जाती 2। सेकेंड स्टेप में गड़बड़ है, किधर इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, बता दे रहा हूं, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, यही तो बचेगा, 2 कम कर दो सभी में से, नलायक है कॉमन लेना भी नहीं आता। हाँ। ये वाली लाइन आयटा स्क्वायर, छोटे बच्चों की तरह करा रहा हूं, आयटा की पावर 4 को लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर, आयटा की पावर 6 को लिख सकते हैं आयटा की पावर 4 इंटू आयटा स्क्वायर, आयटा की पावर 8 को आयटा की पावर 6 इंटू आयटा स्क्वायर, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, छोटे बच्चों की तरह समझा देता हूँ। अब सभी में से आयटा स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आयटा स्क्वायर, यहाँ आयटा की पावर 4 प्लस में आयटा की पावर 6 बचेगा। अब तो सही है। स्पैम गलत हो गया, स्पैम का नाम लिया मैंने। एक एग्जांपल और, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 प्लस आइटा डिवाइड बाय √3 माइनस आइटा की होल पावर जो है वो कितनी है, 27। हाँ जी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 प्लस में आयटा डिवाइड बाय √3 माइनस आयटा की होल पावर 27। अब ये √3 प्लस आयटा अपॉन √3 माइनस आयटा है, इसकी वैल्यू मैंने बताई, आयटा की पावर कितना 2/3, इसकी होल पावर कितना 27, तो आयटा की पावर 2/3 इंटू में कितना 27, तो आयटा की पावर ये इससे कैंसिल होकर 9, तो कितना 18, तो आयटा की पावर 2, तो आंसर कितना -1, आंसर कितना -1। बहुत बढ़िया, शाबाश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 माइनस आयटा डिवाइड बाय √3 प्लस आयटा, इसकी होल पावर 9 प्लस में √3 माइनस आयटा डिवाइड बाय √3 प्लस आयटा, इसकी होल पावर 9, इसकी वैल्यू बताओ किसके इक्वल होगी। शाबाश, इसकी वैल्यू बताओ किसके इक्वल होगी। शाबाश। अब ये हमारे पास क्या होता है जी, आयटा की पावर माइनस का 2/3, इसकी होल पावर 9, और ये दोनों चीज सेम ही लिख दी मैंने, मैं भी क्या कर रहा हूं, दोनों चीज सेम ही लिख दी। ये √3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √3 माइनस आयोटा की होल पावर 9 कर लो। हाँ, ये आ गया आयोटा की पावर माइनस का 2/3, उसकी होल पावर 9, और ये हो गया आयोटा की पावर प्लस का 2/3, उसकी होल पावर कितना 9, तो ये आ गया आयोटा की पावर माइनस का 2/3 इंटू में 9, और ये आ गया आयोटा की पावर 2/3 इंटू में 9, तो ये हो गया आयटा की पावर में कितना, ये इससे कैंसिल होकर 3 माइनस का 6, और ये आयटा की पावर प्लस का 6, तो ये 1 अपॉन आयटा की पावर 6 और ये आयोटा की पावर 6। आयोटा की पावर 6 कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 + 1 आंसर 0, -1 + 1 आंसर 0। तो एक मिनट, -2 आएगा आंसर, 0 कहां से जीरो कहां से -2 आएगा। इसको लिखूंगा 1/i² प्लस में i², यही बनेगा i² की वैल्यू कितनी -1, 1/-1 -1 -1 -2 -2 सर कैसे हो, बहुत बढ़िया है जी। -2 आएगा आंसर, हाँ प्लस माइनस की मिस्टेक कर रहे हो। क्लियर है भाई, कोई डाउट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 + i² की पावर 6 और √3 - i² की पावर 6। What is the value of √3 + i² की पावर 6 और √3 - i² की पावर 6। शाबाश। इसके बाद एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लिखूंगा, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे आंसर। क्या आएगा जी आंसर? देखिए, जिसकी कमी नजर आ रही है पूरी कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जिसकी कमी नजर आ रही है पूरी कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 की पावर 6, ठीक है जी, 64। बेटे स्पैम मत करो यार शिवम पांडे। तो ये आ गया 2, ये किसकी वैल्यू है आयटा की पावर 1/3, इसकी होल पावर 6 हो गया। ये आ गया 2, ये आयटा की पावर -1/3, इसकी होल पावर 6 हो गया। तो ये 2 की पावर 6 64 और यहाँ आ जाएगा आयटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 64, यहाँ आएगा आयटा की पावर कितना -2। यही आएगा, यह आया 64 - 1, यह आया 64 डिवाइड बाय आयटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आएगा -64, ये भी -64, -128 आपका आंसर है जी, -128 आपका आंसर है। सही है बेटे, प्लस माइनस की मिस्टेक मत करे बेटे, गड़बड़ हो जाएगी। प्लस माइनस की मिस्टेक करने पर एक आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में रह जाएगा, और आसान सा क्वेश्चन अगर एग्जाम में रह गया तो सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हमें पता भी है कैसे करना है, और सिर्फ प्लस माइनस की मिस्टेक की वजह से मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो सबसे ज्यादा दुख होता है, मुझे पता है। क्योंकि अगर आपका प्लस माइनस की मिस्टेक के देखो, जो चीज आती नहीं है वो तो अलग मैटर है, लेकिन जो हमें पता हो कि करना कैसे है, अगर वो गलत हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख होता है ना। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन और बता दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन n from 1 to 20 i² की पावर n फैक्टोरियल। समीशन फ्रॉम 1 to 20 i² की पावर सर 64 को कॉमन लेके भी कर सकते हैं, तो बात तो एक ही है ना भाई सुमित, बात तो एक ही है मेरे भाई। समीशन फ्रॉम 1 to 20 1 से लेके 20 तक है और i² की पावर n फैक्टोरियल है। शाबाश, संकल्पियन प्रेजेंट हो, ओके। जीरो कुछ भी ना है मतलब 0, अच्छा गधा दिमाग है। चलो चेक कर लेते हैं, पहले 1 पुट करेंगे, i² की पावर 1 फैक्टोरियल है ये, फिर 2 पुट करेंगे 2 फैक्टोरियल, 3 पुट करेंगे 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल और ये बनेगा 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये बनेगा 20 फैक्टोरियल। लगातार पावर नहीं है भाई, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल की वैल्यू अलग होती है। आइटा की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 1, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, आइटा की पावर 121, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। भैया ये भी तो 4 का मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई में 4 है, ये भी 1, 7 फैक्टोरियल भी 1, 8 फैक्टोरियल भी 1, आगे अप टू सो ऑन ये भी 1। देखिएगा 1, 2 और 3 पहली 3 टर्म को छोड़ के बाकी सभी का आंसर 1 है। तो टोटल टर्म कितनी है 1 से लेके 20 तक, तो ये 3 छोड़ देंगे तो 17 बार 1 आएगा। तो 17 प्लस में आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू भी -1, तो आंसर आएगा 15 प्लस में आयटा फैक्टोरियल है। वो लगातार पावर होती, अगर n ना हो, n फैक्टोरियल की जगह अगर n होता तो ये होता जी 1 2 3 4 5 फिर 0 आता। फिर 0 आता भाई, वो फैक्टोरियल है। ध्यान रखना, समझ रहे हो? काम 25 हो गया। हाँ अब करो फिर, सेम ही क्वेश्चन दे रहा हूं। अब 1 से लेके 25 तक जा रहा है और अब मैंने n+1 फैक्टोरियल कर दिया। शाबाश, बताओ 500 लाइक कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, 1000 लाइक की तरफ मूव करते हैं। बताओ अब पहले 1 पुट करोगे तो बनेगा 2 फैक्टोरियल, फिर बनेगा 3 फैक्टोरियल, फिर बनेगा 4 फैक्टोरियल, फिर बनेगा 5 फैक्टोरियल, फिर अप टू सो ऑन। आप पुट करोगे 25 तो ये बनेगा 26 फैक्टोरियल। याद रखना टोटल टर्म पता होनी चाहिए कि कितनी टर्म है। 1 से लेके 25 तक समीशन जा रहा है तो इसका मतलब ये टोटल 25 टर्म बनेगी। 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर होते हैं, 4 फैक्टोरियल 4 का मल्टीपल होता है, उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं वो सारे के सारे 4 के मल्टीपल होते हैं। तो 1 और 2 टर्म को छोड़ के बाकी सारी 4 के मल्टीपल हैं। तो इसका मतलब यह कि टोटल टर्म थी 1 से लेके 25 टर्म, 2 आप छोड़ दो, बाकी सारी कितनी बची 23। तो ये 1 कितनी बार आएगा 23 बार आएगा। प्लस में आयटा की पावर 2 फैक्टोरियल आयटा स्क्वायर और ये आयटा की पावर 6 हो गया। तो ये आया 23, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये भी है -1 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 21, आंसर आएगा 21। अब इस बार सही है 21 जो बोल रहे हैं। यहां देखो कितनी टर्म है, 1 से लेके 25 टोटल 25 टर्म बनेगी, जिसमें से 2 वाली अलग है, ये आगे जितनी भी हैं वो सारी 4 के मल्टीपल के पावर वाली है। तो ये 25 में से 2 हटा दो तो ये सारी 23 टर्म है, हर एक का आंसर 1 है, तो 23 बार 1 आएगा। ये 2 की वैल्यू लिख दी मैंने। अब मुझे बताओ 21 हो गया, सही है बेटे? मामला ओम प्रकाश हो गया अब, ठीक है? चलो शाबाश, क्लियर है ना? तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं भाई, उनसे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से समझिए, z से हम डिनोट करते हैं बच्चे x + आइटा y, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम x की बात करेंगे तो x हमारा रियल पार्ट ऑफ z होता है जी, और अगर y की बात करेंगे तो y जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। ठीक है जी। अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिखना है, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इमेजिनरी पार्ट के केस में वो आयटा भी कंसीडर कर लेते हैं। नहीं बच्चे, आयटा नहीं, आपको उसका कोफिशिएंट कंसीडर करना होता है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिख दूं z इज इक्वल टू में 2 प्लस में 3 आयोटा, अगर मैं पूछूं रियल पार्ट ऑफ z, z का रियल पार्ट बताओ, तो रियल पार्ट होता है वो पार्ट जिसमें आयोटा ना हो, जैसे 2 है तो 2 रियल पार्ट है। अगर पूछा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 3, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा 3 है बच्चे, इमेजिनरी पार्ट हमारा 3 है। ठीक है जी। अगर मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू में √3 आयोटा बाय 2 माइनस का 4, तो अगर आपसे पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ, तो z इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा का कोफिशिएंट। आयोटा का कोफिशिएंट कितना है बेटे √3 बाय 2, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। और रियल पार्ट ऑफ z बताओ, तो रियल पार्ट z का कितना हो गया माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया। सर जी रिपीट कर दो बेटे, रिपीट कर दूं, कर देंगे। ये लो, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो आप, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो। देखो बच्चे, मैंने आपको बताया आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल 1 होता है। देखिए आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 25 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये 4 का मल्टीपल है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 4 का फैक्टोरियल, ये भी 1 आएगा। 6 फैक्टोरियल, तो इसको आप 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल 1 आएगा। देखिए 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं वो सारे के सारे 4 के मल्टीपल होते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होती है n फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा, 5 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा, 7 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा, 10 फैक्टोरियल में भी, तो वो सारे के सारे जो है वो 1 हो जाएंगे। ठीक है। देखो समीशन कितना है 1 से लेके 25, तो जब आप 1 पुट करोगे फर्स्ट टर्म आएगी, सेकंड टर्म आएगी, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू सोन। ये कौन सी टर्म है 25वीं टर्म, क्योंकि n को 25 पुट कर रहे हो ना, पावर पे मत जाना है आप, कितनी टर्म है वो पता होनी चाहिए। तो 1 से लेके 25 बार n की वैल्यू पुट करने पर 25 टर्म आएगी। पावर 4 का मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, तो यहाँ पे जितने भी रिजल्ट है वो सारे के सारे पावर 4 का मल्टीपल है। तो इसका आंसर 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, आगे वाली टर्म का भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। ये 1 आएगा कितनी बार, देखो 25 में से 2 टर्म छोड़ के बाकी 23 बचेगी, तो 23 बार 1 आएगा। इसकी वैल्यू लिख दी, अब इन दोनों की वैल्यू लिख दी, 21 आंसर आया। ठीक है जी, क्लियर है। इमेजिनरी पार्ट और कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्लियर हो गया बेटे। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्लियर है। इमेजिनरी पार्ट के केस में आयोटा का कोफिशिएंट बताना है, रियल पार्ट के केस में रियल पार्ट ऑफ जेड बताना है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, यहाँ जो रियल पार्ट होता है वो x होता है, y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए जी, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होंगे, ऐसे नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है आप उनको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 1/2, z इज इक्वल टू √2, z इज इक्वल टू माइनस का √3/2। इन सभी में देखो आप रियल पार्ट तो है आपका लेकिन इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो उनको आप प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हो। अच्छा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हो जाएंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हो जाएंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट 0 हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट 0 हो उनको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे z इज इक्वल टू में 2 आयोटा, इसमें रियल पार्ट 0 है। z इज इक्वल टू में आयोटा रियल पार्ट जीरो है, z इज इक्वल टू में रूट थ्री बाय आयोटा रियल पार्ट जीरो है, z इज इक्वल टू में माइनस का आयोटा बाय टू रियल पार्ट जीरो है, z इज इक्वल टू में माइनस का रूट टू आयोटा रियल पार्ट जीरो है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट जीरो होता है आप उनको बोलते हैं इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सर जी आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लो प्लीज। बेटे जयपाल सिंह ये मेरा ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है जी, मेरा ही है भाई। हमारा ही है, पूरी टीम का ही है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे अर्पित सर और कार्तिकेय सर की, जो मतलब सब बराबर है, जिसका मन करे क्लास लगाए बिंदास, आपका ही चैनल है, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल कब होते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल कब होते हैं बेटे? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 x प्लस में आयटा y1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जैसे x2 प्लस में आयटा y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे, ठीक है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे, ठीक है जी। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2। हमारा z1 जो है वो z2 के इक्वल कब होगा? इफ अगर रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो रियल पार्ट ऑफ z2 के इक्वल हो एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 जो है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इक्वल हो। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल कब होते हैं? जब रियल पार्ट के इक्वल हो और जब इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तभी आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कह दिया 4 व्हाट वैल्यू ऑफ x and y the complex number z1 is equal to 2x plus में 4 eta and z2 is equal to 3 plus में 8y eta are equal। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की किस वैल्यू के लिए, एक्स एंड वाई किस वैल्यू के लिए आपका जो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2 वो इक्वल रहेंगे, z1 और z2 जो है वो इक्वल रहेंगे। तो बेटे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है z1 इज इक्वल टू में कितना 2x प्लस 4 आयटा और एक है z2 इज इक्वल टू कितना 3 प्लस में 8y आयटा। मैंने आपको ये कहा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल तभी हो सकते हैं जब रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। अगर मैं z1 के रियल पार्ट की बात करूंगा तो वो हमारा 2x है और z2 के रियल पार्ट की बात करूंगा तो वो हमारा 3 है। तो आपका 2x 3 के बराबर हो, मतलब x कितना 3/2। सेम तरीके से y आ जाएगा आपका, y कितना आएगा 1/2। तो जब x 3/2 होगा, y 1/2 होगा, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। समझे? समझ गए बच्चे? तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल और, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x² माइनस 4 प्लस में x² माइनस 6 प्लस 6 आयटा z2 आर इक्वल। Z2 इज इक्वल टू 0 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 और एक है Z2, दोनों इक्वल होंगे। किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू Z2 तभी होगा जब रियल पार्ट ऑफ Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर हो। तो जब रियल पार्ट की बात करेंगे, Z1 का रियल पार्ट है x² - 4, Z2 का रियल पार्ट देखो 0 है तो 0 ही आएगा, इसको आप 0 + 0 आइटा लिख सकते हो ना। तो यहां से x इज इक्वल टू आया ±2, दूसरा आएगा x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा x इज इक्वल टू 2,3। दो इक्वेशन, x की दो वैल्यू यहां से आई, दो वैल्यू यहां से आई, कंसिडर वो करेंगे जो दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी। फाइनल आंसर क्या है? x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पुट करने पर ये भी 0 और ये भी 0, तो z1 इज इक्वल टू z2 हो गया। 3 पुट करने पर ये 0 नहीं बनेगा, ये तो 0 बन जाएगा। -2 पुट करने पर ये 0 बन जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं बनेगा। तो ऐसी वैल्यू जिसपे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो वह है x इज इक्वल टू 2 आपका। समझ गए? सिर्फ 2 के लिए, बिल्कुल बच्चे, सिर्फ 2 के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा एक बहुत ही शानदार सा, जबरदस्त सा, मस्त सा क्वेश्चन, जिसका आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, जिसका आप लोग आंसर देंगे। वो है एनडीए के लेवल का क्वेश्चन, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो 1 by 1 करके मैं बताता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 x2 प्लस में आइटा y2। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड अगर करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करेंगे, ठीक है जी, तो सिंपल सी चीज़ है, रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। ठीक है जी, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है, x1 प्लस में आइटा y1 माइनस करेंगे x2 माइनस आइटा y2, तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा। अगर आपको करनी है प्रोडक्ट, तो जैसे आप दो फैक्टर की प्रोडक्ट करते हो, जैसे आप दो फैक्टर की प्रोडक्ट करते हो, कैसे प्रोडक्ट करते हो? अगर मैं आपको बोलूं x प्लस में 2 की प्रोडक्ट करो y प्लस 3 से, तो कैसे करोगे प्रोडक्ट? इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, ऐसे ही करोगे। वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं। जैसे z1 इज इक्वल टू है 1 प्लस आइटा, Z2 इज इक्वल टू है मान लो 2 - 3 आइटा, Z1 इंटू में Z2 करना है, तो 1 प्लस आइटा की प्रोडक्ट करनी है 2 - 3 आइटा से। तो वैसे ही प्रोडक्ट करेंगे जैसे दो फैक्टर की जाती है। पहले इस 1 की प्रोडक्ट 2 से करेंगे, फिर -3 है, तो 1 की प्रोडक्ट 2 से किया, 2 आया, 1 इंटू ये माइनस का 3 आइटा आया। फिर आइटा की प्रोडक्ट 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आइटा आएगा प्लस का, और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे माइनस में 3 आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, तो ये आ गया 2 - 3 आइटा प्लस का 2 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस प्लस का 3 हो गया। तो ये देखो, ये आया 2 + 3 कितना, 5, माइनस का 3 आइटा प्लस का 2 आइटा माइनस का आइटा, तो आंसर आया 5 - आइटा। बहुत बढ़िया जी, आंसर आया 5 - आइटा। और अगर डिवाइड करना है, Z1 को Z2 से डिवाइड करना है, 1 प्लस आइटा को डिवाइड करना है मान लो 2 - 3 आइटा से, तो डिवाइड के केस में आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रैशनलाइज कर दो। क्या कर दो? डिनोमिनेटर में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रैशनलाइज कर दो। क्या हुआ, एक मिनट रुकना, हैंग हुआ था क्या? ऐसे, हाँ जी। एक चीज जो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, एक चीज जो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, एक चीज जो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, जब भी डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जब भी डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हमेशा रैशनलाइज करना है। जब भी डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हमेशा रैशनलाइज करना है। जयपाल सिंह आरआरआर, बहुत दिनों बाद सुना है यार ये मैंने। जब भी डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हमेशा रैशनलाइज करना है। तो 2 - 3 आइटा का रैशनलाइज 2 + 3 आइटा से मल्टीप्लाई और 2 + 3 आइटा से डिवाइड। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 + ये आ जाएगा जी 2 + में 3 आइटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2 आइटा, प्लस में बनेगा 3 आइटा स्क्वायर, डिवाइड में वही a - b इंटू a + b, तो ये आएगा a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर 3 आइटा का स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस में 5 आइटा डिवाइड बाय 4, 3 का स्क्वायर 9, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस का 1, तो यह आया माइनस का 1 प्लस 5 आइटा डिवाइड बाय कितना 13, तो आप माइनस का 1 बाय 13 प्लस में 5 आइटा डिवाइड बाय 13 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। ठीक है जी, क्लियर है, डन वाली बात है, कोई डाउट? डन वाली बात है, पता चल गया? यहां से एक पॉइंट भी ध्यान से समझना, सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर या ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो। इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब क्या है? द सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हो तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, जब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस करते हो तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, जब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करोगे तब भी रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। बच्चे ध्यान से समझिएगा, जब आपने डिवाइड किया तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, जब आपने दोनों की मल्टीप्लाई की रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब भी रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, और जब आप दोनों को माइनस करोगे तब भी रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनकर आता है, जो है रिजल्ट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनकर आएगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो एनडीए के लेवल का क्वेश्चन है मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं और देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, देखते हैं कितने बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 में 1 - cos θ प्लस में 2 i sin θ। what is the real part of this complex number? इस complex number का real part बताओ क्या आएगा। अपनी अपनी notebook पे solve करो, अपनी अपनी notebook पे solve करो। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया, हाँ जी, 1 - cos θ प्लस, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है तो हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो ये डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटे, इसका रैशनलाइज करना है। तो 1 - cos θ, यहाँ प्लस का 2α, तो -2α sin θ से मल्टीप्लाई, 1 - cos θ -2α sin θ से डिवाइड। हाँ या ना? ऐसे ही करोगे, रैशनलाइज। ठीक है जी, रैशनलाइज कर दिया। अब ये हमारे पास हो गया, ऊपर बना 1 - cos θ माइनस का 2α sin θ, डिवाइड में क्या बनेगा, a + b a - b। तो ये बनेगा जी a² माइनस में b² 2 का स्क्वायर 4, sin का स्क्वायर थीटा, और आयटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस आ गया जी, ये आ गया z। क्या आप इसको लिख सकते हो, 1 - cos θ डिवाइड बाय 1 - cos θ का होल स्क्वायर प्लस में 4 sin² θ और माइनस में 2α sin θ डिवाइड बाय 1 - cos θ और का होल स्क्वायर और प्लस में 4 sin²θ। लिख सकते हो बेटे, लिख सकते हो, हाँ या ना? ऐसे लिखा जा सकता है भाई। अब रियल पार्ट मैंने आपको क्या बताया, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, इसके साथ तो आयोटा है तो ये तो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां से हमारे पास आया रियल पार्ट ऑफ जेड, किसके बराबर आया रियल पार्ट ऑफ जेड, ये आ गया जी 1 - cos θ डिवाइड बाय 1 - cos θ का होल स्क्वायर और प्लस में आ गया 4 sin²θ। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? बताओ, शाबाश, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चे? सबसे पहले मैंने किया है रैशनलाइज, करने के बाद हमें रियल पार्ट चाहिए तो मैंने इसका लिया रियल पार्ट, ये है जी इसका रियल पार्ट। अब आगे आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ जी, मुझे बताओ, जैसे आ गया जी 1 - cos θ डिवाइड बाय 1 - cos θ का क्या था, होल स्क्वायर, प्लस में क्या था, 4 sin²θ ना, यही था। आगे मैं और सोल्व करके बताता हूं। देखो यहाँ पे बताना मुझे सही लिख रहा हूं मैं, क्या आप sin² θ को 1 - cos² θ लिख सकते हैं? मुझे बताओ, 1 को 1 का स्क्वायर लिख के 1 - cos θ इंटू में 1 + cos θ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा, 1 - cos θ डिवाइड बाय 1 - cos θ का होल स्क्वायर प्लस में 4 sin² θ की जगह मैं लिख लूं 1 - cos θ इंटू में 1 + cos θ। अब आप ये देखिए कि 1 - cos θ कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, यहाँ स्क्वायर था तो 1 - cos θ प्लस में 4 × 1 + cos θ। तो ये आ गया जी 1 डिवाइड बाय, अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करके देखो क्या बनता है, ये 5 + 3 cos θ। ये आपका फाइनल आंसर है जी, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटे। ऑप्शन के साथ भी तो मैच करना है मेरे प्यारे, ऑप्शन में ये होगा तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर तो आएगा ही नहीं। सर जी रियल पार्ट पूछा है तो इमेजिनरी जीरो नहीं होगा, किसने कहा बेटे? अगर मैं लिखूं कि z इज इक्वल टू में 2 + 3 आइटा है, मुझे इसका रियल पार्ट बता, तो मैं तो थोड़े से सिर्फ रियल पार्ट पूछ रहा हूं। आप कहोगे सर रियल पार्ट तो इसका 2 है। अगर ये बोला जाता कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो थीटा की वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन बनेगा उस केस में। तो ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। इसी क्वेश्चन को मैं अब अलग अलग तरीके से बताता हूं, दो अलग अलग तरीके से आंसर देते हैं। देखो ध्यान से, एक तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आ गया बेटे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये आ गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, मान लो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा जेड इज इक्वल टू 1/(1 - कोस थीटा + 2 आइटा साइन थीटा एज प्योरली इमेजिनरी। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है? जब उसका रियल पार्ट 0 हो, हाँ या ना। अगर बोले कि थीटा जो है वो आपका <<π/2 और >0 है मान लो, तो उस केस में फिर मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना है, मुझे क्या करना है, ये इसको ऐसे ही रखना है। देखो ये था रियल पार्ट, फिर आपको सजाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को सजाने की जरूरत नहीं है। आपने किया रैशनलाइज करके ये चीज आ गई। अगर बोला है कि प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट को 0 पुट कर दो, मतलब इसको 0 पुट कर दो। जब आप इसको 0 पुट करोगे तो ये डिनोमिनेटर तो उधर जाके 0, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना 1। आप कहोगे जी थीटा की वैल्यू 0 होगी। आप कहोगे जी थीटा की वैल्यू 0 होगी क्योंकि कोस 0 1 होता है। इसने बोला ना थीटा 0 और π/2 के बीच में लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर क्वेश्चन में बोलता कि आप जो क्वेश्चन है वो आपका प्योरली रियल है, अगर यहां पे बोलता कि प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल कब होता है? जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो आप क्या करेंगे उस केस में, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये है ना, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा 2 आइटा साइन थीटा डिवाइड बाई आएगा ना इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, ये डिवाइड वाला तो उधर जाके 0 ही, तो यहां से आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 0 0 आ जाएगा थीटा। ऐसे वो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है जी, वो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये याद रखना। क्लियर है ना? तो उस केस में आपको इस तरीके से करना है, लेकिन यहाँ रियल पार्ट आपको पूछा है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू दिस 0, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 तब होगा जब रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। बेटे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब होगा? जब रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी आपका क्या हो जाए 0। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तभी आप उसको 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, वही तभी z 0 बनेगा, इसके अलावा कभी भी 0 नहीं होता z। सेकेंड पॉइंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, याद रखना, कभी भी दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 + 3 आइटा क्या बड़ा रहेगा 4 + 5 आइटा से, तो आप नहीं बता सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। x+ आइटा बाई > है जी a+ में आइटा b, नहीं बता सकता। x+ में आइटा बाई << है जी a+ आइटा b, नहीं बता सकता। x+ में आइटा बाई >= a+ आइटा b होगा, नहीं बता सकता। x+ में आइटा बाई << a+ आइटा b होगा, नहीं बता सकता। ये मीनिंगलेस फॉर्म होती है, लेकिन एक केस ऐसा होता है जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर किया जा सकता है। एक केस ऐसा होता है जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर किया जा सकता है अगर आपके इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए। मतलब अगर यहाँ पे y आपका जीरो हो गया और यहाँ पे b आपका जीरो हो गया तो अब वो x ग्रेटर देन a, अब ये रियल बन जाएगा ना, अब रियल बन जाएगा ना आपका। जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, इमेजिनरी पार्ट जीरो होने का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट जीरो होने का मतलब क्या है कि जब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो, जैसे 2 <3 बता सकते हो ना, प्योरली रियल है अब तो बता सकते हो कि 2 <3 है, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए नहीं बता सकते क्योंकि इसमें अब ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है, इसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है। समझ गए? समझ गए? तो याद रखना दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, लेस देन ग्रेटर देन नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन वट एक इंपॉर्टेंट केस ये है याद रखना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही केस में कंपेयर हो सकते हैं, ओनली वन एंड ओनली वन कंडीशन कि आपका बी और डी मतलब उनके इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सर अगर 0 और π/2 के बीच में 2π के बिटवीन होता तो सर, फिर बेटे सारे पॉइंट लिख लो ना वाशु, कहाँ कहाँ जो है वो cos 1 होता है, तो एक तो 0 पे cos 0 1 होता है और एक 2π पे, तो 0 भी आ जाएगा 2π भी आ जाएगा, तो वो तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है ना वाशु चौहान। ठीक है बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा बच्चे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंजुगेट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंजुगेट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सारी चीज़ें हम 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले तो सिंपल भाषा में अगर मैं कंजुगेट की बात करूँ तो z = जैसे x+ में आयोटा y है, z = क्या है, x+ में आयोटा y। सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं कंजुगेट की डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं, क्या कर दो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कंजुगेट निकालना है तो उसको डिनोट करते हैं बेटे हम z बार से। किससे डिनोट करते हैं हम? z बार से लिखते हैं कंजुगेट को, z बार लिखा हुआ है मतलब आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है मतलब z बार निकालना है मतलब x+ आयोटा y की होल पावर 2 तो कंजुगेट के केस में क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट जो है ना उसका साइन चेंज हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है याद रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का कुछ भी नहीं करना, उसको एज इट इज लिख देना है। जैसे कि z = अगर मैं लिखूं 2 - 3 आयोटा है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, तो इसका रियल पार्ट अगर 2 - का है तो वो प्लस का हो जाएगा, सॉरी इमेजिनरी पार्ट अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। z = -√3 - आयोटा है, इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो तो रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, आयोटा का जो कोफिशिएंट है माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इसका कंजुगेट आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अगर मान लो z = है -1 + आयोटा, अगर आपको बोला है कि इसका कंजुगेट बताओ तो आपको क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है तो वो उसका कंजुगेट आ जाता है। क्या जाता है? उसका कंजुगेट। याद रखना एक चीज, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है ये भी बता देता हूं, देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हमारे पास क्या होती है, रियल एक्सिस होती है बेटे। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एक्स एक्सिस होती है उसको रियल एक्सिस बोला जाता है और जो वाई एक्सिस होती है उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है जी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस में आटा वाई, तो उसको पॉइंट की फॉर्म में जो रियल पार्ट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स पाटा, तो ये हो गया जी एक्स प्लस में आटा वाई। ये हमारे पास क्या हो गया जी, ओरिजन हो गया। ठीक है, ओरिजन और इस पॉइंट पी को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो ओ और पी के बीच का जो डिस्टेंस बनता है, ओ ओरिजन और इस पॉइंट पी के जो डिस्टेंस बनता है वो जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जो मॉडुलस ऑफ जेड होता है। एक्चुअल में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है कि अगर कोई भी पॉइंट जेड हमारे पास, जिसको हम पॉइंट की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, मतलब इसमें रियल एक्सिस बोला जाता है, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। जो पॉइंट पी बनेगा उस पॉइंट पी और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है। मॉडुलस तो आगे का कंसेप्ट है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ आपको कंजुगेट का मतलब। अब ये हमारी रियल एक्सिस हो गई। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पी की मिरर इमेज बनाऊं, एक्स एक्सिस को एज ए मिरर यूज करना है। एक्स एक्सिस को हम क्या करते हैं, एज ए मिरर यूज करते हैं। जैसे आपने ये तो पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि जैसे अगर मैं अपने आप को शीशे में जब देखता हूं तो जितना डिस्टेंस मिरर से, जितने डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूं, मेरी जो इमेज बनती है वो उतने डिस्टेंस पे बनती है। ये बात तो आप सभी को पता होगी, ये बात तो आप सभी को पता होगी कि जब आप मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो जो मिरर और मेरे बीच का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आपकी, जो उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनती है ना। तो अब जो रियल एक्सिस है वो काम कर रही है बच्चे, किसका काम कर रही है, मिरर का काम कर रही है। ये पॉइंट जो है ना, पी पॉइंट, ये इसका फेस इस तरफ है, अपने आप को इस शीशे में देख रहा है। तो जब अपने आप को इस शीशे में देखेगा तो इस पॉइंट पी की जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी। मैं मान लेता हूं क्या बनेगी, पी डैश बनेगी, बनेगी पी डैश। अब एक बात बताओ, जब ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, आपको पता है इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, ये पैरेलल टू किसके है, इस एक्सिस के पैरेलल है। इस एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो बदलेगा ही नहीं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बनेगा। अब आप ये देखो, जब पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो इसकी मिरर इमेज कहां बनेगी, विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। अगर मैं 2D के हिसाब से चलूं तो अगर 2D के हिसाब से देखें, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में P की जो इमेज बनती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो उसकी इमेज बनती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। साइन किसका चेंज हुआ, सिर्फ y का। अगर पॉइंट आपका फोर्थ में है तो उसकी इमेज बनेगी फर्स्ट में, x तो फिर भी सेम रहा, y ये माइनस का y इधर जाके प्लस का y हो जाएगा। अगर पॉइंट आपका है जिस सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, लेकिन इमेज के केस में थर्ड में जाएगा, थर्ड में x तो नेगेटिव ही रहेगा लेकिन y का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप ये देखो, हर केस में आपका जो y है उसका साइन चेंज होता है, x का साइन चेंज नहीं होता, x का साइन सेम ही रहता है, x का साइन सेम ही रहता है। चाहे आपका फर्स्ट में हो तो फर्स्ट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट कहां लाई करेगा, उसका कंजुगेट कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यह भी पता होना चाहिए। कई बार वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता है और पूछ लेता है कि इसका कंजुगेट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका कंजुगेट फोर्थ में लाई करेगा, अगर फोर्थ में है तो फर्स्ट में लाई करेगा, सेम सेकंड में है तो थर्ड में लाई करेगा, थर्ड में है तो सेकंड में लाई करेगा। ठीक है जी, क्लियर है ना। तो और निकालने का तरीका सिंपल सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट अगर निकालना है तो सिंपल आप जो है वो क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। शाबाश, आप लोग सोल्व करें फटाफट, मैं तब तक पानी पी के आता हूँ। फटाफट कमेंट सोल्व, क्या तुम भी क्या कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, कितने भी करा लो। किस किस के बारे में डिस्कस कर रहे हो यहाँ पे, मैं तो पढ़ाने आया हूँ। आंसर कमेंट करो, शाबाश। किस है कहाँ मिलेगी प्राइवेसी कमेंट किया है बच्चे ने, सही किया है क्या, कैडेट बैंक राइट टू प्राइवेसी। हाँ सही है, तो पढ़ा रखा है ना, संकल्प चीता बना रखा है ना, चीता बना रखा, चीता ही कहते हैं। एक किस कहाँ मिलेगी, राइट टू प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी में तो मिलेगी, ओपन थोड़ी करोगे आप। सही है, बच्चों को ऐसा ज्ञान देते हैं, सही बात, चीता ही कहते हैं। और वो दूसरा चीती ही कहते हैं, जादू ही कहते हैं। सर आप कब मिलेंगे, एक बार जॉन बोल दिए। जॉन भाई क्या हाल चाल है बेटे, हो बेटे। ये कह रहा सर मैं तो पढ़ना आया था, हम क्या मुजरा कर रहे हैं यहाँ पे। अबे तो आर्टिकल ही तो पढ़ाया है, अब याद रहेगा ये पोलिटी प्लस मैथ मैलिटी ये भी सही है। जॉन जॉन जॉन, हाँ जी, क्वेश्चन हो गया सोल्व। बताओ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कंजुगेट बताना है। शाबाश। सर आजकल की डाइट के अलग डाइट तो फिर इनकी चल ही रही है थोड़े दिनों में, फिर ये पहले तो होल स्क्वायर करते हैं ना, यह आएगा जी ए स्क्वायर प्लस में आएगा जी बी स्क्वायर माइनस का 2ab करोगे माइनस का 4 आयोटा, तो यह आएगा 2 माइनस में आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 हो गई, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा। मैंने आपको बताया था कि जब भी डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो हमेशा क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है जी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 प्लस का 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा और ये आएगा माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर और डिवाइड में a प्लस बी ए माइनस बी करने पर 9 प्लस में 16 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होके वो प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 हो गया तो ये माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा जी प्लस में हमारे पास 11 आयोटा और डिवाइड में आएगा जी 25। ये तो मैंने अभी इसको सिंप्लीफाई किया है, मुझे क्या करना है इसका कंजुगेट बताना है, और कंजुगेट के केस में इसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 11 आयोटा डिवाइड बाय 25। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आप, शाबाश, क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से समझ के सोल्व करना बच्चे और ध्यान से समझना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पे हमारे पास है a प्लस में आयोटा b इसकी होल पावर है जी 5 और इक्वल में दे रखा है p प्लस में आयोटा q। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आयोटा को कॉमन लेता हूँ, जब आयोटा कॉमन लेंगे तो पावर 5 भी बाहर आएगा, आयोटा की पावर 5 यहाँ आ जाएगा a डिवाइड बाय आयोटा, ठीक है ना, प्लस में b और इक्वल में आएगा जी p प्लस में आयोटा q। ठीक है जी, सही लिखा है मैंने, एकदम करेक्ट है। अब मैंने अभी आपको लिखवाया है रिजल्ट में कि 1 अपॉन आयोटा, आयोटा अगर डिवाइड में ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा माइनस का आयोटा a प्लस में b इज इक्वल टू में p प्लस में आयोटा q। ठीक है जी? अब आयोटा की पावर 5 कितना हो गया, आयोटा हो गया, डिवाइड में जाएगा उधर जाके, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ b माइनस में आयोटा a इसकी होल पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस में आयोटा q डिवाइड बाय आयोटा, वही सेम चीज डिवाइड में आयोटा ऊपर जाके माइनस का आयोटा p प्लस में आयोटा q। ये आ गया माइनस का आयोटा p, अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस में आयोटा स्क्वायर q, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का, तो q माइनस में आयोटा p और ये बन गया b माइनस में आयोटा a की होल पावर 5। ठीक है, ये बन गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्लस के केस, तो दोनों साइड यहाँ माइनस का आयोटा है, तो माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा कैसे बन सकता है, जब दोनों साइड कंजुगेट करेंगे। जब आप दोनों साइड कंजुगेट करेंगे मतलब इसका कंजुगेट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन, प्लस में आ जाएगा जी, बी फॉर ब्लॉक। ठीक है बच्चे, सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसमें से आयोटा कॉमन लिया है और डिवाइड में आयोटा है तो मैंने आपको लिखवाया था 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 5 आयोटा होता है उधर जाके डिवाइड में चला गया, इसको ऊपर रह गया माइनस आयोटा, अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों साइड में जो है मैंने क्या कर दिया, कंजुगेट कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया, कंजुगेट कर दिया। ठीक है, तो पहले कॉमन, फिर आप कॉमन लेने के बाद फिर कंजुगेट। ठीक है, और ये मैंने आपको लिखवाया था, अगर याद है तो 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा लिखते हैं, 1 अपॉन माइनस आयोटा को प्लस आयोटा लिखते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट ध्यान से समझिएगा। पहली प्रॉपर्टी, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट करेंगे वापस से वही रिजल्ट आ जाएगा जी, जैसे z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, इसका कंजुगेट करोगे तो क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, इसका एक बार और कंजुगेट करोगे तो वापस से क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। तो जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करते हैं तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके प्लस में है, होल कंजुगेट है, तो आप अलग अलग कंजुगेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में है, होल कंजुगेट है, तब भी आप अलग अलग कंजुगेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, होल कंजुगेट है तब भी आप अलग अलग कंजुगेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में है, होल कंजुगेट है, तब भी आप अलग अलग कंजुगेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है, उसका कंजुगेट करना है तो आप कंजुगेट और पावर को रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉपर्टी आपकी कंजुगेट की, तो ये ध्यान रखनी है आपने प्रॉपर्टी बेटे कंजुगेट की, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब यहां से समझने वाली चीज है, यहां से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बनेगी। मैं आपको वन बाय वन करके एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूंगा। आंख कान नाक सारे दरवाजे खुले रखना दिमाग के, ताकि दिमाग में फिट हो, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, मैं वन बाय वन करके यहां से बना के चलता हूँ क्वेश्चंस, ओके, ध्यान से समझना। एक एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे जी। z इज इक्वल टू है एक्स प्लस में आटा वाई, ठीक है। तो z का कंजुगेट क्या होगा बच्चे, x माइनस में आटा वाई, ध्यान से समझते जाना, ठीक है, यही होगा, हाँ या ना, यही होगा। अब देखो पहला एक पॉइंट जो बनकर आता है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड कर दूं, तो z प्लस में z का कंजुगेट, तो ये आएगा x प्लस में आटा वाई और ये बन जाएगा x माइनस में आटा वाई, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या बनेगा 2x, ये आया 2 टाइम x, हमारे पास क्या है रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z, तो z प्लस में z का कंजुगेट रियल पार्ट ऑफ z 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है। और आप इसको बोल सकते हो कि ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। पहले मुझे बताओ हाँ या ना, ये बनेगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखना z प्लस में z का कंजुगेट प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, ध्यान से सुनना, कि जब z में उसका कंजुगेट ऐड करते हो तो हमेशा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट, अगर इसमें से इसको माइनस किया जाए, z में से z का कंजुगेट माइनस किया जाए, तो x प्लस में आटा वाई माइनस में, ये कर रहा हूं तो माइनस का x प्लस में आटा वाई, तो अब x से x कैंसिल हुआ, अब ये बना 2 आटा वाई, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 2 आटा, तो एज इट इज y क्या है हमारा, y है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया बच्चे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चे, आई बात समझ में। तो एक चीज तो क्लियर है कि z प्लस में z का कंजुगेट जो होता है, z प्लस में z का जो कंजुगेट होता है वो आपका प्योरली रियल होता है, z माइनस में z का जो कंजुगेट होता है वो आपका प्योरली इमेजिनरी होता है। तीसरा पॉइंट बना रहा हूं, ध्यान से समझना, तीसरा पॉइंट बना रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है बच्चे। तीसरा पॉइंट क्या है, z प्लस में z का कंजुगेट इक्वल टू 0, z प्लस में z का कंजुगेट इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखो, z प्लस में z का कंजुगेट होता किसके इक्वल है, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। अब ये 0 हो रहा है, इसका मतलब रियल पार्ट क्या हो रहा है, 0, हाँ या ना, कि अगर z प्लस z का कंजुगेट 0 हो रहा है तो इसका मतलब आप यही कहोगे ना कि रियल पार्ट ऑफ z 0 है, तभी तो ये 0 हो रहा है, क्योंकि z प्लस z का कंजुगेट बराबर किसके होता है, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, मतलब 2x के बराबर होता है। अगर x 0 हो गया तो z प्लस जेड का कंजुगेट जीरो हो जाएगा, सही बात है ना। अब रियल पार्ट ऑफ z आपका जीरो हो रहा है तो आप कहोगे कि z इज प्योरली इमेजिनरी, जेड प्योरली इमेजिनरी। तो जेड जब आपका जेड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो जेड प्लस जेड कंजुगेट जीरो आएगा। देख लो जैसे जेड इज इक्वल टू आयटा है तो जेड का कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयटा, दोनों का सम देखो जीरो आ रहा है। जेड माइनस में जेड कंजुगेट इज इक्वल टू जीरो, जेड माइनस में जेड, जेड माइनस जेड का कंजुगेट क्या होता है बेटे, टू आयटा टाइम ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो। अगर इमेजिनरी पार्ट मतलब y की वैल्यू अगर जीरो है तो जेड माइनस जेड का कंजुगेट भी क्या है, जीरो। इसका मतलब ये आप कहोगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो है। अगर इमेजिनरी पार्ट जेड जीरो है तो जेड इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है भाई, सही है। सर जी आप पढ़ाओ, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। मैं तो पढ़ा ही रहा हूं यार, क्या चीज, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, मेरे को तो दिक्कत ही नहीं है। अपन तो पढ़ा ही रहे हैं, मैं तो तीसरा पांचवा पॉइंट, जेड इंटू में जेड का कंजुगेट, जेड इंटू में जेड का कंजुगेट। आप देखो जेड क्या है, एक्स प्लस आयटा वाई, जेड का कंजुगेट क्या है, एक्स माइनस आयटा वाई, सही है बेटे। जेड एक्स प्लस आयटा वाई, जेड माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यही होगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर हो गया, प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें आयटा तो आएगा ही नहीं क्योंकि रियल पार्ट ले रहे हैं तो एक्स ही लेंगे, इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं तो सिर्फ वाई लेंगे। तो आप यहां से कह सकते हो कि ये जो है वो आपका बनेगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो है वो बनेगा आपका प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए, अब आप समझ गए बेटे, ये पांच पॉइंट डन है, एकदम सिंपल सी चीज है। अगर देखो अगर आपसे पूछे कि जेड प्लस जेड का कंजुगेट क्या होता है तो आप कहेंगे जेड प्लस जेड का कंजुगेट जो है वो टू टाइम ऑफ रियल पार्ट होता है और वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और अगर आपको ये बोले कि जेड प्लस जेड का कंजुगेट जीरो है, जेड प्लस जेड का कंजुगेट जीरो है, तो ये जीरो तब होगा जब रियल पार्ट जीरो होगा, रियल पार्ट जीरो तब होगा जब जेड प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है नी, क्लियर है ना, डन है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, अब ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया, क्लियर है। अब ये एक्सप्लेन करता हूं मैं, ओके। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो भी बताता हूं। और अरे हाँ इसका मॉडुलस में यूज करके बताऊंगा मैं आपको, एक बार इसको काट दो, इसका मॉडुलस में यूज करके बताऊंगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके कंजुगेट भी इक्वल होंगे, सही है। फंक्शन ऑफ जेड है, कंजुगेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि देखो ये तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई कि जैसे मान लो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, W इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Z का मतलब है इस तरीके से, जैसे मान लो W कोई नंबर है, चलो Z1 मान लेता हूँ, जैसे z1 जो है वो मान लो कई अलग अलग, जैसे z² प्लस में z प्लस में 4 है तो z1 का कंजुगेट करना है, तो आप z² प्लस में z प्लस 4 का होल कंजुगेट करेंगे। और कंजुगेट की प्रॉपर्टी है कि अलग अलग कंजुगेट कर सकते हो, तो z का कंजुगेट का स्क्वायर और z का कंजुगेट प्लस में 4 का कंजुगेट तो 4 ही होगा। तो ये बन गया ना z1 का कंजुगेट, मतलब z1 जो है वो इसका फंक्शन है, तो अगर इसका कंजुगेट करेंगे तो इसके कंजुगेट का फंक्शन बन जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर्टी है, बाकी इसका वैसे कोई यूज़ नहीं है। मेन चीज़ तो आपकी ये है, ये है, मतलब ये 5 पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये 5 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको अपने दिमाग में बसा लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है जी। नेक्स्ट कंसेप्ट है जी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से समझिएगा। सर जी पानी पी लीजिए, पानी तो खत्म हो गया। एक पॉइंट और लिखवा देता हूँ, मुझे याद आ गया, पॉइंट नंबर 6 लिखवा देता हूँ इसमें। एफ z1 प्लस z2 एंड z1 इंटू में z2, अगर बोला है कि z1 प्लस में z2 एंड z1 इंटू में z2, इज रियल, इज प्योरली रियल, देन याद रखना z1 एंड z2 आर कंजुगेट टू ईच अदर, आर कंजुगेट टू ईच अदर। एक चीज और बता देता हूं, देखो मैं बताता हूं, एक चीज मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, आप लोग ना रट्टा मार लेते हो, जैसे आपने रट्टा मार, कई बच्चे, मैं बताता हूँ क्या, कि z में जब z का कंजुगेट ऐड करते हैं तो 0 आता है, ऐसे रट्टा मार लेते हैं ना। यूपीएससी इसी बात का फ़ायदा उठाती है, यूपीएससी इसी बात का फ़ायदा उठाती है। देखना, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, यूपीएससी ने कहा एफ z1 प्लस में z2 इज इक्वल टू 0 है, देन z2 इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट है। देखते जाना बच्चे, हाँ या ना में आपको आंसर देना है, हाँ या ना में आपको आंसर देना है। ये चीज अब पता है, इस रिजल्ट को इसके साथ कंपेयर कर लेते हो, इस रिजल्ट को इसके साथ कंपेयर कर लेते हो कि सर अगर कंपेयर करें कि अगर मैं इस z को मतलब z1 मानूं तो ये जो z का कंजुगेट है फिर तो ये z2 तो है z1 का कंजुगेट ही तो हुआ, है ना। ऐसा नहीं है, ये अलग चीज है बेटे और ये अलग चीज है। देखो एक माइंड, अगर मैं z1 इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा ले लूँ और z2 को अगर मैं 3 प्लस आइटा ले लूँ, क्या अब इन दोनों का सम, एक मिनट, यहाँ पे 0 की जगह मुझे लिखना है प्योरली रियल, सॉरी प्योरली रियल, ठीक है, z1 प्लस z2, एक मिनट रुको, मेरा ही क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने कहा z1 प्लस z2 इज प्योरली रियल, ध्यान से समझना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ एक चीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में z1 प्लस z2 इज प्योरली रियल, देन z1 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ या z2 इज द कंजुगेट ऑफ z1। एक स्टेटमेंट है आपकी z1 इंटू में z2 इज प्योरली रियल, प्योरली रियल, देन z2 इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट। और एक स्टेटमेंट आपकी z1 प्लस में z2 एंड z1 इंटू में z2 इज प्योरली रियल, देन z2 इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट। ये 3 स्टेटमेंट है। वॉइस क्या हो गया, वॉइस को सही तो है, ये तीन स्टेटमेंट है। अब एक चीज बताता हूं, देखो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट है बच्चे, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट है। अकेला सम प्योरली रियल होने से जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के कंजुगेट हो, प्रोडक्ट प्योरली रियल होने से जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के कंजुगेट हो, लेकिन अगर सम और प्रोडक्ट दोनों ही प्योरली रियल हैं देन 100% वो एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। 100% कंजुगेट होने का मतलब यहाँ देखो Z1 इज द कंजुगेट ऑफ Z2 इज कंजुगेट टू ईच अदर, इसका मतलब है कि Z1 जो है वो Z2 के कंजुगेट के इक्वल होगा, या आपका जो है Z2 जो है वो Z1 के कंजुगेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये चीज ध्यान रखना। अकेला सम दिख दे तो आपको ये प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं होगी, अकेला प्रोडक्ट से भी ये प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं होगी, सम और प्रोडक्ट दोनों एक साथ हो तभी ये प्रॉपर्टी करेक्ट होती है। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। वो जानबूझ के ऐसे दे देता है, आप लोग सीधा रट्टा मार लेते हैं Z1 प्लस Z2 रियल टू ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मतलब क्या होगा कि ओरिजिन और इस जेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है। जैसे जेड इज इक्वल टू हमारे पास है जी 2 प्लस में मान लो 3 आटा है, तो मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, मतलब अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी √13। अब गलती पता है क्या होती है, मैं बता दे रहा हूँ। गलती ये होती है बच्चे कि जब बच्चे मॉडुलस निकालते हैं ना, तो यहाँ पे याद रखना आइटा कंसीडर कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे। बेटे x और y रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लेना होता है, आइटा नहीं लेना होता, समझ रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू जैसे 3 माइनस का 4 आइटा है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यह आएगा जी √25। कितना हो गया जी 5 हो गया हमारे पास, मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ गया 5 आ गया। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे, ठीक है, ये भी बता दे रहा हूं कैसे। ये वाली लाइन तो लगभग मेरी सीधी जाती है, इसको तो मैंने एकदम सही कर लिया, इसका मेरे से बैलेंस नहीं बनता। ये हमारा ओरिजिन है बेटे, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू में एक्स प्लस आइटा वाई, तो ये हमारी हो गई रियल एक्सेस हो गई, और यहां पे ये हमारी कौन सी एक्सेस हो गई इमेजिनरी एक्सेस हो गई। मैंने आपको बताया था कि अगर इस z को हम प्लॉट करेंगे, मान लो z यहाँ पे हमारा पास ये पॉइंट है x प्लस में आइटा y, तो इसका पॉइंट P बनेगा हमारा x कोमा y इमेजिनरी और रियल एक्सेस में, इस तरीके से बनेगा। ठीक है बच्चे, जब आप ओरिजिन और इस पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे, जब आप ओरिजिन और इस पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक बनेगी OP लाइन। कौन सी लाइन बनेगी OP लाइन बनेगी। इस OP लाइन की जो लेंथ होगी, मतलब O और P के बीच का जो डिस्टेंस होगा OP लाइन, जिसको जनरली R से डिनोट करते हैं और वो मॉडुलस ऑफ Z होता है, अंडर रूट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट के बीच में, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 कितना x ही होगा उसका स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। इस तरीके से आंसर आता है बच्चे ज्योमेट्री वाले कंसेप्ट से। हाँ बेटे, ज्योमेट्री वाले कंसेप्ट से। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो आप सीधा यूज कर सकते हो कंसेप्ट क्या, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो जेड इज इक्वल टू में साइन थीटा प्लस में आयटा कोस थीटा, फटाफट मुझे मॉडुलस ऑफ जेड बताओ, शाबाश कमेंट करके, फटाफट मुझे मॉडुलस ऑफ जेड बताओ, फटाफट कमेंट करके। जेड इज इक्वल टू है जी √3/2 प्लस में आयटा /2, फटाफट जो है वो मॉडुलस ऑफ जेड बताओ कमेंट करके, शाबाश। जेड इज इक्वल टू है जी 1 प्लस में आयटा, फटाफट मॉडुलस ऑफ जेड बताओ, शाबाश। जेड इज इक्वल टू है जी 3 माइनस में आयटा 2 आयटा, फटाफट मॉडुलस ऑफ जेड बताओ, शाबाश। जेड इज इक्वल टू है जी 1 प्लस में आयटा टेंजेंट थीटा आयटा, फटाफट मॉडुलस ऑफ जेड बताओ, शाबाश। तो इसका तो हो जाएगा जी अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया जी 1, इसका हो जाएगा अंडर रूट 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4, तो ये भी हो गया जी 1, इसका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी √2, इसका हो जाएगा जी अंडर रूट 9 प्लस में 4 कितना जी √13, इसका हो जाएगा जी अंडर रूट 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा जी, सही है। प्रॉपर्टीज क्या होती है मॉडुलस की, वो भी कर लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, प्रॉपर्टीज बताता हूं, फिर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में है तो आप अलग अलग मॉडुलस नहीं लिख सकते, बताना जरूरी है भाई। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर माइनस में है तो अलग अलग मॉडुलस नहीं लिख सकते, याद रखना। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्रोडक्ट में है तब अलग अलग मॉडुलस लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में है और पूरे का मॉडुलस निकालना है तब भी आप अलग अलग मॉडुलस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। लेकिन प्लस में और माइनस के केस में अलग अलग मॉडुलस नहीं लिखा जा सकता, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने कहा जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयटा /3 माइनस का 4 आयटा है, तो मुझे बताओ मॉडुलस ऑफ जेड कितना होगा, मुझे बताओ मॉडुलस ऑफ जेड कितना होगा। तो मुझे जेड का मॉडुलस पूछा है, तो मॉडुलस ऑफ जेड मतलब 1 प्लस आयटा /3 माइनस 4 आयटा का मॉडुलस। मैंने अभी अभी बताया कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो अलग अलग मॉडुलस लिख सकते हो, 1 प्लस आयटा का अलग मॉडुलस, 3 माइनस 4 आयटा का अलग मॉडुलस, और इसका मॉडुलस क्या होगा √1 प्लस 1, और इसका मॉडुलस क्या होगा √+9 प्लस 16, तो यहाँ आ गया जी √2/5। आंसर कितना आया √2/5। सर सारे क्वाड्रेंट में, हाँ सारे क्वाड्रेंट में सेम ही होता है, क्लियर है। अब एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल टू है कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा, डिवाइड में है कोस थीटा माइनस में आयटा साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ जेड बताओ, शाबाश। क्या आएगा मॉडुलस ऑफ जेड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटे, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, आप मुझे बता सकते हैं इसका मॉडुलस क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं इसका मॉडुलस क्या होगा। सर अगर इसको रैशनलाइज करके निकालें तो तब भी आंसर सेम आएगा बच्चे कमलेश, जब आप रैशनलाइज करके निकालेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा बेटे कमलेश। अगर रैशनलाइज हमें करना ही क्यों है, देखिए जब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी होती है, जब आप उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रैशनलाइज करने में टाइम लगेगा। और सीधा साधा चीज है, इसका क्या हो जाएगा 1 और इसका भी क्या हो जाएगा 1। 1/1 कितना 1 आ गया, सीधा आंसर है ना। क्यों रैशनलाइज करके टाइम वेस्ट करना, सर जी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लाओ। कहां से टप्पू, बेटे टप्पू, हाँ बोल। टप्पू बेटे, बेटे टप्पू दूध पिया बेटे आपने, सही है, यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई, मैं कहां से ले, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, हैं ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5 ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के थ्रू मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। शाबाश, इसका मॉडुलस बताना भाई, ध्यान से समझना, इसका मॉडुलस बताओ, क्या आएगा इसका मॉडुलस 5 ना। इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा इसके कंजुगेट का 5। देखते जाना क्या क्या कर रहा हूं मैं, माइनस का जेड कर दो, इसका मॉडुलस क्या होगा 5, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मॉडुलस क्या होगा 5, इसको आयटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयटा से मल्टीप्लाई तो 3 आयटा और ये हो जाएगा आयटा स्क्वायर मतलब माइनस का 4। इसका मॉडुलस क्या होगा 5, माइनस आयटा से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3 आयटा प्लस का 4। इसका मॉडुलस क्या होगा 5। अब इसकी बारी, इसको आयटा से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मॉडुलस क्या होगा 5, इसको माइनस आयटा से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मॉडुलस क्या होगा 5। सही है बेटे, सही है, हाँ या ना। जेड का मॉडुलस, जेड के कंजुगेट का मॉडुलस, उसको आयटा से मल्टीप्लाई कर दो उसका मॉडुलस, माइनस आयटा से मल्टीप्लाई कर दो उसका मॉडुलस, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसका मॉडुलस, उसके कंजुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसका मॉडुलस, आयटा इंटू जेड कंजुगेट का मॉडुलस माइनस आयटा इंटू जेड कंजुगेट का मॉडुलस, सबके बराबर ही होते हैं भैया। अरे भैया कहने का चाहते हो, अरे भैया कहना क्या चाहते हो, यही बात तो कहना चाहता हूं, यही बात तो कहना चाहता हूं कि जेड का मॉडुलस और उसके कंजुगेट का मॉडुलस, आयटा जेड का मॉडुलस माइनस आयटा जेड का मॉडुलस माइनस जेड का मॉडुलस माइनस जेड के कंजुगेट का मॉडुलस माइनस आयटा कंजुगेट का मॉडुलस आयटा जेड कंजुगेट का मॉडुलस बराबर ही होता है। देखो इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात आपको काम कहाँ आएगी। वन, यही कहोगे ना जी, वन है मॉडुलस ऑफ जेड, वन है। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, दोनों का मॉडुलस सेम ही आएगा, यही तो बात है, यही तो कहना चाहता हूं मैं आप लोगों को। इसको आयटा से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, तो मॉडुलस तो बराबर ही रहेगा 1। वन यहाँ पे काम आएगा, ये इक्वली रहने वाला है मॉडुलस। इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस सेम रहेगा तो डिवाइड करने पर वन आएगा। इसका मॉडुलस सेम रहेगा, डिवाइड करने पर वन आएगा। यस, ओके ओके, ये बता दिया, ये भी बता देंगे, ये बता दिया, ये भी बता दिया, ये मैंने ये बता देता हूँ, ये भी बता दिया। पहला पॉइंट तो वैसे भी देखो, z अगर जीरो है तो उसका मॉडुलस भी जीरो आएगा, z अगर नॉन जीरो है तो उसका मॉडुलस ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्योंकि z इज इक्वल टू जैसे वन लिख लिया तो उसका मॉडुलस वन हो जाएगा, z इज इक्वल टू वन प्लस आइटा लिख दिया तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, रूट टू। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव ही आता है, लेकिन z अगर जीरो ही हो गया, x भी जीरो y भी जीरो, तो दोनों केस में मॉडुलस। तो यही पॉइंट है ये कि मॉडुलस ऑफ z जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। एक ही केस में आ सकता है जब z ही जीरो हो, लेकिन अगर z जीरो नहीं है, इसके अलावा आपका z कुछ भी है, हमेशा आंसर ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। z इंटू जेड का कंजुगेट मैंने आपको लिखवाया था, z इंटू जेड का कंजुगेट किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर था, और ये क्या बन गया, मॉडुलस का स्क्वायर बन गया, मॉडुलस का स्क्वायर बन गया। यही तो है, पावर और मॉडुलस को आप जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल बताता हूं अब कैसा बनता है। ये जो पॉइंट है ना, इससे रिलेटेड एग्जांपल बता रहा हूं बच्चे, कैसे बनता है पॉइंट से रिलेटेड एग्जांपल, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 7 मैं बता दे रहा हूं आपको पहले, पॉइंट नंबर 7 जो है ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, और फिर इनसे रिलेटेड एग्जांपल भी बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पॉइंट नंबर 7 से रिलेटेड, ठीक है। पहले दो के लिए बता रहा हूँ, जैसे z1 प्लस में z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल होता है z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में z1 इंटू z2 का कंजुगेट प्लस में z2 इंटू z1 का कंजुगेट, ये चीज़ होती है। ये होता है फॉर्मूला किसका, z1 प्लस में z2 के मॉडुलस के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, z1 प्लस में z2 के मॉडुलस के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये जो मैंने लिखा। अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, इनका एग्जांपल कैसा आता है, ठीक है। और अगर आ जाए 3 z1 प्लस में z2 प्लस में z3 के मॉडुलस का स्क्वायर, तो z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में z3 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में z1 इंटू z2 का कंजुगेट, z2 इंटू z3 का कंजुगेट और z3 इंटू z1 का कंजुगेट। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। प्रीत सिंह क्या कमेंट कर रहा है भाई, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं इससे रिलेटेड एग्जांपल कैसा बनेगा, ठीक है। इस तरीके का एग्जांपल है बच्चे। क्वेश्चन है, मान लो इफ z1 इज इक्वल, z1 का मॉडुलस 2 है जी, z2 का मॉडुलस जो है वो 4 है, एंड z1 प्लस में z2 जो है वो 1 प्लस में आपका है रूट 8 आयोटा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वट इज द वैल्यू ऑफ, ध्यान से समझना, z1 इंटू z2 का कंजुगेट प्लस में z2 इंटू z1 का कंजुगेट। तो भैया जी इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो भैया जी इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अब आप देखो, जैसे कि मैंने कहा कि z1 प्लस में z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में z1 इंटू z2 का कंजुगेट और z2 इंटू z1 के कंजुगेट के बराबर होता है, ठीक है जी। ये हो गया। अब z1 प्लस में z2 गिवन है हमें, इसका मॉडुलस क्या आएगा, z1 प्लस में z2 हमें गिवन है 1 प्लस में रूट 8 आयोटा। इसका मॉडुलस z1 प्लस z2 का मॉडुलस वो आएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ गया जी 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3। हमें चाहिए उसके मॉडुलस का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, z1 के मॉडुलस का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4, z2 के मॉडुलस का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 16, तो यहाँ आएगा z1 z2 का कंजुगेट और z2 z1 का कंजुगेट। ये हो गया 20 और इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चे, है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा z1 इंटू z2 का कंजुगेट प्लस में z2 इंटू z1 का कंजुगेट, ये इधर आके 20 माइनस करके माइनस का 11 हो गया, माइनस का 11 हो गया। सही है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूले ऐसे ही 3 वाला है उसमें ये चीज पूछता है। ठीक है जी, सही है। एक चीज और बताऊं, देखो ये क्या है आपका माइनस का 11 ना, माइनस का 11, तो एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, z1 z2 का कंजुगेट प्लस में z2 z1 का कंजुगेट, ये जो रहता है वो प्योरली रियल रहता है, इसकी वैल्यू प्योरली रियल आएगी, कभी भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी नहीं, क्योंकि देखो इसके फॉर्मूले में देखो यहाँ मॉडुलस हो रहा है, मॉडुलस रियल होता है, यहाँ मॉडुलस रियल हो गया, ये भी मॉडुलस रियल होगा, तो ये जो नंबर बचेगा वो प्योरली रियल ही बचेगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 11, मतलब प्योरली रियल ही आई। सर जी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अरे यार प्रीत सिंह आपका तो यहाँ पे फंस गई गाड़ी ना, यहाँ पे फंस गई ना गाड़ी आपकी। मैं अभी मॉडुलस ही बता रहा हूँ बच्चे, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा यार, तो उसकी तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो पहले तो मैंने इसकी बात की है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका सम है तो अलग अलग मॉडुलस नहीं लिख सकते, बस बात ये की है, समझ रहे हो, मैंने तो इसकी बात की है। मैंने ये तो z1 प्लस में z2 का जो मॉडुलस है वो तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि आपका जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है वो तो लगेगी लगेगी, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ मॉडुलस की बात की है कि मॉडुलस प्लस के केस में अलग अलग मॉडुलस नहीं लिख सकते, मैंने यही बोला ना। क्या लिख सकते हैं वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे, मॉडुलस को कंपेयर कर सकते हैं बच्चे, हाँ बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। मॉडुलस जो होता है वो आपका प्योरली इमेजिनरी नहीं होता है, प्योरली रियल होता है, क्योंकि नंबर आएगा रियल नंबर बनेगा और रियल नंबर को आप कंपेयर कर सकते हो बच्चे, रियल नंबर को कंपेयर कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है जी, 7 पॉइंट z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ क्वेश्चन में यूज नहीं है इनका, क्वेश्चन में यूज नहीं है, ये बात मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आपका पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 8 रट्टा है बच्चे, ठीक है जी, सीधी सी बात है, याद रखना है। क्वेश्चन में यूज नहीं होता है, क्वेश्चन में यूज नहीं होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है रिजल्ट, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर जो है वो z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर अगर गिवन है, ये चीज अगर गिवन है देन याद रखना z1 डिवाइड बाय z2 जो है वो प्योरली क्या रहेगा, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी का मतलब इसका रियल पार्ट 0। इसको लाओ पैरेललोग्राम बोलते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, ये याद रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूं क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है, याद रखना है बस। ये तो हो जाएगा जिसका मॉडुलस 1 हो उसको यूनिमॉडुलस बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं और फिर इनसे रिलेटेड एग्जांपल भी बता दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 से रिलेटेड जो है एग्जांपल क्या आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 से रिलेटेड एग्जांपल कैसा बनता है, पॉइंट नंबर 4 भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। z इंटू जेड का कंजुगेट उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, हाँ या ना। z इंटू जेड का कंजुगेट उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, हाँ या ना, हाँ या ना। सर जी पीडीएफ भेज दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। सर जी आप खोल 3 में डीपीपी चेक करेंगे, हाँ जी बिल्कुल डीपीपी चेक करेंगे, ठीक है जी। लिखवाया हुआ है इफ अगर मॉडुलस ऑफ जेड 1 हो गया, अगर जेड का मॉडुलस 1 हो गया तो मुझे बताओ जेड इंटू जेड का कंजुगेट क्या 1 के बराबर जाएगा। तो यहां से जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। 1/z मतलब जेड का इनवर्स, अभी मैं बताऊंगा इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो जेड का जो इनवर्स है वो किसके बराबर चला जाता है, जेड के कंजुगेट के बराबर चला जाता है। जेड का जो इनवर्स है किसके बराबर चला जाता है, जेड के कंजुगेट के बराबर। ये कब होगा, ये चीज कब होगी, जब मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो, 1 हो। अदरवाइज और किसी भी केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चे, और किसी भी केस में पॉसिबल ऐसा नहीं है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 1 है तो उसका कंजुगेट और उसका इनवर्स दोनों सेम हो जाते हैं। उसका कंजुगेट और उसका इनवर्स दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो अगर मान लो z इज इक्वल टू है जी √3/2 प्लस में α/2, ये है आपके पास √3/2 प्लस α/2। देन आपसे पूछा है बेटे z का इनवर्स बताओ, देन आपसे पूछा है z का इनवर्स बताओ। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि अगर z का इनवर्स आपसे पूछा है, क्या इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है, मुझे बताओ हाँ या ना में। क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है, तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है तो उसका जो इनवर्स है वो उसके कंजुगेट के बराबर हो जाता है। मतलब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल दो कंजुगेट, वही आपका जेड इनवर्स बन जाएगा, वही आपका जेड इनवर्स बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। समझ गए, समझ गए, क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। और वैसे इनवर्स किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, याद रखना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं या रेसिप्रोकल ऑफ जेड बोलते हैं, ये याद रखना, दोनों का मतलब सेम है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दो या रेसिप्रोकल ऑफ जेड बोल दो, दोनों का मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेट जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, अगर इसका मुझे इनवर्स निकालना है जेड इनवर्स, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ जेड भी बोलते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है जी, 1/z के इक्वल होता है। ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूं, जेड कंजुगेट से मल्टीप्लाई, जेड कंजुगेट से डिवाइड, तो ये बन गया जेड का कंजुगेट डिवाइड बाय जेड इंटू जेड का कंजुगेट, ये बन गया जेड कंजुगेट डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है बच्चे, फॉर्मूला ये होता है, देख लो। जेड इंटू जेड इनवर्स, मैंने क्या किया, इसको 1/z लिख सकते हैं, जेड की पावर -1 है। जेड कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, नीचे जेड इंटू जेड का कंजुगेट उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो z का इनवर्स अगर निकालना है तो z के कंजुगेट को उसके मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा उसके इनवर्स, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना। अब एक चीज जो है, जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना है आपने कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको इस तरीके से करेंगे तो आसान होगा और कौन सा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको इस तरीके से करेंगे तो आसान होगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे तो आसान होगा। एक बात बताओ, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयटा डिवाइड में आ गया 2 माइनस 3 आयटा, 2 माइनस 3 आयटा। सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? अगर मैंने आपको कहा फाइंड करो z का इनवर्स, z इनवर्स निकालो, पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले आप क्या करोगे मुझे बताओ, क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? रैशनलाइजेशन। पहले रैशनलाइज करोगे और उसके बाद इन्वर्स निकालोगे। पहले रैशनलाइज करोगे उसके बाद इन्वर्स निकालोगे। और मैं आपको कहूं कि जब आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस पे ध्यान देना। आपको पता है रैशनलाइज तो करना पड़ेगा। रैशनलाइज करके इन्वर्स निकालूं या पहले इन्वर्स करके रैशनलाइज कर लूं? मैंने आपको बोला z इन्वर्स का मतलब है 1 अपॉन z, 1 अपॉन z, z जो दिया हुआ उसका रेसिप्रोकल कर दो। ये आ गया z का इन्वर्स। अब इसका रैशनलाइज कर लेता हूं, डायरेक्ट आंसर ही मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर ही मिल जाएगा, ज्यादा बेटर नहीं है। तो अब समझ में आया कि ये वाली चीज कौन से टाइप के क्वेश्चन में करनी है। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो पहले उल्टा करके फिर रैशनलाइज कर लो, जो आंसर आएगा वही आंसर है। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस में √2 आयटा है जी, अब इसने बोला z इनवर्स निकालो। देखिए अब इसमें रैशनलाइज करने की जरूरत ना है, नहीं है ना जरूरत। अब इसमें ये वाली चीज करना आसान है, z का कंजुगेट कर दो जी, z का कंजुगेट 1 माइनस में 2 आयटा हो गया जी, मॉडुलस निकाल दो जी, मॉडुलस 1 प्लस में 2 है जी, इसका स्क्वायर कर दो जी, 1 माइनस में √2 आयटा/3 आ जाएगा जी आंसर। इसमें ये डेफिनेशन लगानी आसान है। तो ऐसा क्वेश्चन जो रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है उसमें तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे क्योंकि ये चीज निकालनी उसमें आसान है। और ऐसा क्वेश्चन जिसके डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा हो उसमें हम ये वाला काम कर लेंगे, 1 अपॉन z कर लेंगे, 1 अपॉन z करके कर दिया 1, अब इसको रैशनलाइज करके सोल्व कर लेंगे, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। हम समझ गए बढ़िया तरीके से, समझ गए? अब वही चीज़ थी, इनवर्स का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है बच्चे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो z का कंजुगेट डिवाइड बाय उसके मॉडुलस का स्क्वायर। और वही केस था, अगर मॉडुलस ऑफ z अगर 1 हो गया तो z का जो इनवर्स है उसके कंजुगेट के बराबर हो गया, है ना? सर ऑफलाइन में कहाँ, ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हैं? SSBGUIDE डिफेंस एकेडमी बच्चे, जनकपुरी के अंदर है, दिल्ली में। ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो मैं आपसे पूछूं वो बताना हाँ या ना में, ठीक है? z1 का मॉडुलस 1 है, z1 का मॉडुलस 1 है, तो मैं कहूंगा कि z1 का जो इनवर्स है वो z1 के कंजुगेट के बराबर होगा, हाँ या ना? अगर मैं कहूं कि z2 का मॉडुलस भी 1 है तो z2 का जो इनवर्स होगा वो z2 के कंजुगेट के बराबर होगा, हाँ या ना? अगर मैं कहूं z3 का मॉडुलस 1 है तो z3 का जो इनवर्स है वो z3 के कंजुगेट के बराबर होगा, हाँ या ना? z4 का अगर मॉडुलस 1 है तो Z4 का जो इन्वर्स है वो Z4 के कंजुगेट के बराबर होगा, हाँ या ना। अगर Zn का जो मॉडुलस 1 है तो Zn का जो इन्वर्स है वो Z के n के कंजुगेट के बराबर होगा, हाँ या ना। हाँ या ना, सही बात है जी। चलो बहुत बढ़िया जी, ये तो बातचीत रन कर दी सर आपने, मैंने तो क्या कर दी, आप लोगों ने कर दी। कंसेप्ट को बारीकी से समझ रहे हैं। अब एक चीज़ देखो, यहीं से हम एक बढ़िया सा रिजल्ट बना लेते हैं। अब मुझे बताना जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू सो ऑन Zn, इसका मॉडुलस Z1 प्लस में Z2 प्लस Z3 अप टू सो ऑन Zn का मॉडुलस, इनके कंजुगेट का मॉडुलस, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो और उसका कंजुगेट इक्वल हो, उसके कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल होता है, हाँ या ना। जेड और जेड ये लिखा तो था हमने, ये देखो जेड और उसका कंजुगेट, उसका मॉडुलस इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सही है क्या, ये सही है क्या, सही है ना, होता है सर, हाँ जी बिल्कुल होता है। अब मुझे बताना देखो, क्योंकि किसी भी दो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका जब सम करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होगा उसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस दोनों का सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Zn का होल कंजुगेट है तो क्या आप इसको Z1 का कंजुगेट प्लस में Z2 का कंजुगेट प्लस में Z3 का कंजुगेट अप टू सो ऑन Zn का कंजुगेट लिख सकते हो? लिख सकते हो, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, हाँ जी। अब देखो Z1 का कंजुगेट किसके इक्वल है? Z1 के इनवर्स के, और ये Z2 के इनवर्स के, और ये Z3 के इनवर्स के, और ये किसके इक्वल है? Zn के इनवर्स के। अब इसको लिख सकते हो 1/Z1 प्लस में 1/Z2 प्लस में 1/Z3 अप टू सोन 1/Zn, हाँ या ना, लिख सकते हो, लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, ये कि अगर Z1, Z2, Z3, Z4, Zn इन सभी का मॉडुलस अगर 1 है तो उनका सम का मॉडुलस और उनके इनवर्स का मॉडुलस का सम बराबर आएगा। अगर उनके सम का मॉडुलस निकालोगे वो और उनके इनवर्स के सम का मॉडुलस निकालेंगे वो इक्वल आएगा। प्रूफ आपके सामने। एग्जाम्पल कैसा आएगा सर? Z1 का मॉडुलस इक्वल टू Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z3 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z4 का मॉडुलस 1 दिया हुआ है, एंड Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 सॉरी Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 इज इक्वल टू में 1 प्लस में आयोटा है, देन What is the modulus of 1/Z1 plus 1/Z2? Sorry, 1/Z3 plus 1/Z4. इसका modulus बताओ। मैंने कहा कि अगर इन चारों का modulus 1 है तो इसका मतलब ये कि इन चारों का जो सम होगा उसका मॉडुलस और इन चारों के इनवर्स का जो सम होगा उसका मॉडुलस बराबर होगा, सही बात है। सही बात है बेटे, सही है ना। अब इसका मॉडुलस क्या है बेटे, ये चारों का सम 1 प्लस आईटा, इसका मॉडुलस निकाल दो √2 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस 1/Z4, इसका मॉडुलस √2 के बराबर आ गया जी। बहुत बढ़िया, सही है प्यारे, सही है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैंने आपको अभी अभी बताई है, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आई। अभी तो मैं और धागा खोलूंगा कंसेप्ट का, देखते जाओ। अभी तो मॉडुलस की बात आई है, स्क्वायर रूट पे बाद में आएंगे। अभी मैं एक चीज और सिखाता हूं जिसके नाम से डरते हैं बच्चे, जिसके नाम से ना डरते हैं। एक वर्ड यूज होता है लोकस, और जहां लोकस देखा वहां पे फोकस नहीं हुआ गड़बड़ हो गई जी। यही हुआ ना, जहां लोकस देखा वहां पे फोकस नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई, है ना। तो अब मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसा आता है और किस तरीके से करना है। देखते जाना। ठीक है जी, पहले मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करवाना चाह रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं ये ध्यान रखना। पूरा क्वेश्चन मैं बाद में लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन मैं बाद में लिखूंगा, लेकिन ये वाली चीज जो है ना, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, ओके। जब ऐसी कोई चीज आती है तो पहले इसको सोल्व कैसे किया जाता है, तो आप क्या करो, z को अपनी तरफ से x प्लस आईटा y मान लो। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, लिखा जाएगा z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज इक्वल टू 1 है, देन व्हाट इज द लोकस ऑफ z। पूरा क्वेश्चन मैं बाद में लिखूंगा, लेकिन पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो किस तरीके से करेंगे वो बात करते हैं हम, ठीक है ना। लोकस ऑफ z क्या बनेगा, इसमें मैं सारी चीज़ें लिखवाऊंगा आपको, ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। हाँ जी, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया बेटे, प्रीत सिंह बेटे कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। पढ़ाई पे दोबारा से ध्यान दो ना, है। एक बार रिटर्न निकलने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरी बार में निकल जाएगा। अभी तो कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, फिर ओवर कॉन्फिडेंस आउट हो जाओगे, है ना। ये याद रखना, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना होता है। ₹10 का छिक्का मिलने पर, है ना, नोट मिलने पर ढिंडोरा नहीं पीटते होते ना बेटे। कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, अच्छी बात, मतलब चलो ठीक है, कॉन्फ्रेंस तक पहुंचे आप, आपने मेहनत की थी, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बार में पक्का ही हो जाओगे। ढिंडोरा ना पीटें, बार बार मैं देख रहा हूँ कब से तू कॉन्फ्रेंस आउट करी जा रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि चर्बी चढ़ जाती है ना। चर्बी चढ़ जाती है, ये बात ऑफलाइन में बखूबी एक जानते हैं। मेरी क्लास के अंदर चाहे कितना मर्जी इंटेलिजेंट बच्चा हो और चाहे कितना कमज़ोर बच्चा हो, उस कमज़ोर बच्चे को कभी मैं ये फील नहीं होने देता कि तेरे को कुछ नहीं आता। और जो इस इंटेलिजेंट वाले को मैं ये फील नहीं होने देता कि तेरे को सब कुछ आता है। ये मेरी खास बात है। उसको जब ये लगने लग जाए ना कि मेरे को सब कुछ आता है, तो फिर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ जिसकी वजह से उसको लगता है कि यार ये तो आता ही नहीं। मेरे लिए मायने रखता है एक एक बच्चा। क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं ना, तो मेरा ध्यान 50 के 50 पे होता है और मैं चाहता हूँ 50 के 50 सीखें। अगर 20 ऐसे बैठे हैं ना कि जिनको आता है, वो चुप रहेंगे, उनको पता है कि बोलना नहीं है। ये बात सभी को पता है, बोलते नहीं है हरी क्लास में। जब तक मैं ना बोलूं कि आंसर बताओ, और संकल्प वालों को भी पता है मेरे बारे में, संकल्प बच्चों वालों को पता है क्या होता है। संकल्प बैच में एक बात संकल्प वाले बच्चों को ये पता है कि डीपीपी से ज्यादा एग्जाम्पल मैंने क्लास में कराए हैं हर एक चैप्टर में। जितने डीपीपी में, मेरी डीपीपी में 200-200 क्वेश्चन है ना, डीपीपी में 200-200 क्वेश्चन है मेरी में। फंक्शन की डीपीपी में 190 क्वेश्चन है, लिमिट्स की डीपीपी में 235 लगभग क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर नहीं है, सारे नए नए क्वेश्चन हैं, हर टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में 71 क्वेश्चन है, 71 क्वेश्चन है। डेरिवेटिव की डीपीपी में 200 प्लस क्वेश्चन है। एओडी की डीपीपी में पूरे 200 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन, हाँ संकल्प वालों को एक चीज पता है कि इंटीग्रेशन के अंदर एक क्लास में मैंने 200 से ज्यादा एग्जाम्पल कराए थे। क्लास में 200 से ज्यादा एग्जाम्पल कराए थे मैंने। डीपीपी अलग है, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए 200 से ज्यादा एग्जाम्पल कराए थे। ये चीज ऐसे करनी है। दो 233 एग्जाम्पल थे इंटीग्रेशन में। और ऐसे ही मैं ऑफलाइन में भी करता हूं। एक एग्जाम्पल पे मेरी गाड़ी खत्म ही नहीं होती। एक एग्जाम्पल पे मेरी गाड़ी खत्म ही नहीं होती। एक जैसी 2-4 चीजें ना करवाऊं तब तक मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती, ताकि दिमाग में घुस जाए कि हाँ भाई ऐसे करना है। क्या कह रहा है, 2 रुपए की पेप्सी। जितने लोगों के डीपीपी में क्वेश्चन नहीं होते ना, उतने तो एग्जाम्पल करा देता हूं। 35-40 क्वेश्चन के डीपीपी नहीं है। 35-40 क्वेश्चन तो क्लास में घुसते ही एग्जाम्पल करा देता हूं मैं। और डीपीपी का क्वेश्चन लगा के देख लेना, पता चल जाएगा क्या लेवल है डीपीपी के क्वेश्चंस का। दिमाग की नसें खुल जाती हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा कराता हूं, पहले ध्यान से समझना कैसे करेंगे, ठीक है ना। जेड की जगह एक्स प्लस आयटा वाई रखते हैं। जेड की जगह एक्स प्लस में आयटा वाई और प्लस में आया आयटा डिवाइड बाय एक्स प्लस आयटा वाई और माइनस का 2 आयटा है इज इक्वल टू है जी 1। ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस में आयटा अगर कॉमन लेंगे y प्लस 1 बन जाएगा, और यह आएगा x प्लस में आयटा अगर कॉमन लेंगे y माइनस 2 बन जाएगा। इसका मॉडुलस 1 है जी। अगर मॉडुलस 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा ना। स्क्वायर इसलिए लिया हुआ मैंने ताकि जब मैं इसका मॉडुलस निकालूं तो वो स्क्वायर रूट आएगा, तो ये स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस में, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, तो माइनस का फोर वाई। अब आप ये देखिए यहाँ पे सोल्व करना है बस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और इसको इधर ले आओ, आप इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा सिक्स वाई और इक्वल में बन गया थ्री वाई इज इक्वल टू वन बाई टू। ये किसकी इक्वेशन है बेटे? लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है। देखिए एक चीज़ बताता हूँ, जब आप इस चीज़ को सोल्व करते हो, जब आप इस चीज़ को सोल्व करते हो, जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई पुट करके जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जिसकी इक्वेशन बनती है, जैसे y इज इक्वल टू वन बाई टू एक लाइन की इक्वेशन है, तो ये लाइन की इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब ये होगा प्यारे कि जो जेड है ना उसका लोकस एक लाइन होगी। लोकस का मतलब है कि जब आप इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो वो किसकी इक्वेशन बनकर आएगी? अगर वो एक लाइन की इक्वेशन बन रही है तो लोकस आपका लाइन हो गई, अगर वो सर्कल की इक्वेशन बन के आती तो लोकस आपका सर्कल हो जाता। जिसकी इक्वेशन बनकर आती है, जिसकी इक्वेशन बनकर आती है लोकस वो हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लाइन बनेगी यार। y इज इक्वल टू वन बाई टू कौन सी लाइन होती है? ऐसे जो पैरेलल होगी x एक्सिस के। समझे? एक एग्जांपल और करवाता हूं सर जी, लोकस जेड का पूरा क्वेश्चन करवाता हूँ, टेंशन मत लो। ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो एक एग्जांपल, ठीक है। एफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड माइनस में टू डिवाइड बाय जेड प्लस में थ्री आइटा इज इक्वल टू टू है, देन What is the locus of Z? Z का locus बताइए क्या आएगा? तो locus को गोली मारो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, क्या आएगा? ये देखो Z क्या है? Any complex number। Z को क्या लिख लो? X प्लस आइटा वाई लिख लो, माइनस में टू है जी, डिवाइड बाय जेड प्लस में थ्री, सॉरी जेड प्लस में, जेड को मैंने लिखा एक्स प्लस में आयटा वाई प्लस में थ्री आयटा इज इक्वल टू में टू। अब अगर कोई और हमारे साथी जो ये क्लास देख रहे होंगे या ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको देख रहे होंगे, तो वो साथी सीधा बोल देंगे कि ये तो सर्कल होता है। लेकिन सर्कल कैसा होता है वो भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया कि जेड का लोकस क्या होगा तो चलो बता दिया कि सर्कल होगा, लेकिन अगर पूछ ले कि जेड किस पे, कौन से सर्कल पे लाई करेगा, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो वो भी निकालना आना चाहिए। और बताऊंगा मैं एक चीज़ और भी बताऊँगा मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, तो कितना आ गया? फोर आ गया, ठीक है ना बच्चे। इसको आप लिखोगे x माइनस टू प्लस में आयटा वाई, और इसको आप लिखोगे x आयटा कॉमन लोगे, y प्लस थ्री मॉडल्स का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। स्क्वायर इसलिए मैंने यूज़ किया ताकि आप जो है वो रूट कैंसिल हो जाए। अब ये क्या आएगा? मॉडल्स कैसे निकालेंगे? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर डिवाइड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। सही लिखा है मैंने? हाँ या ना में बताते रहना बेटे। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में प्लस में फोर स्क्वायर इज इक्वल टू में फोर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना बनेगा बेटे y प्लस थ्री का होल स्क्वायर बनेगा। मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंचाऊंगा आपको, डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंचाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले मैं आपको प्रॉपर चीजें सोल्व करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक बार कंसेप्ट बैठ जाए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी प्लस में आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में फोर, यह आएगा एक्स स्क्वायर, यह आएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी सिक्स बाय, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में फोर माइनस का फोर एक्स प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में फोर एक्स स्क्वायर प्लस में फोर वाई स्क्वायर प्लस में चार निम छत्तीस प्लस में चौबीस वाई। इन दोनों को, इन सबको उठा के उधर फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये भी आ जाएगा प्लस में थ्री वाई स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस का फोर एक्स प्लस का ट्वेंटी फोर वाई और ये कितना हो जाएगा बत्तीस इज इक्वल टू जीरो। मुझे बताओ यही इक्वेशन बनेगी। शाबाश बच्चे, सही लिखा है मैंने। हाँ या ना, सही लिखा है मैंने। तो इसके रिजल्ट तो मैं आपको लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, इसके रिजल्ट तो मैं आपको लिखवा दूंगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ये जो रिजल्ट है इक्वेशन, देखो ये सर्कल बन गया बच्चे, सर्कल बन गया ना, है ना। ये निकालना मैंने आपको क्यों बताया है ये चीज इक्वेशन। देखो यहाँ पे अगर पूछ ले कि जेड इज ए कॉनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दे दिया, ठीक है, देन जेड लाइज ऑन द सर्कल, वो बोलेगा कि जेड जो है एक सर्कल पे लाई करता है, तो उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। तो पहले तो आप इसको सोल्व करके इक्वेशन निकालोगे कि नहीं निकालोगे, मुझे बताओ। देखिए अकेला क्वेश्चन जो है वो सिर्फ लोकस का नहीं आता है। आपको अगर बोल दे, वो पहले से बोल रहा है कि इसका जो लोकस है वो सर्कल होगा, उसने बोल दिया। अब मुझे ये बताओ सर्कल का रेडियस कितना होगा, या उस सर्कल का सेंटर कितना होगा, या उस सर्कल की इक्वेशन कितनी होगी। तो पहले तो आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए ना, कि इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, ये बना सर सर्कल, है ना। अब थ्री से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में फोर बाय थ्री एक्स प्लस में सॉरी एट वाई प्लस में थर्टी टू डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रेडियस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना, है ना। रेडियस निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए बेटे। अब मैं आपको बताता हूं सिस्टम, देखते जाना, मैं प्रूफ के साथ चलता हूं, प्रूफ के साथ चलते हैं। ठीक है, ये सही लिखा है ना मैंने। पहले तो ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में फोर बाई थ्री एक्स प्लस में, अब मैं एक बंदे का खुलासा करूंगा, प्लस में एट वाई प्लस में थर्टी टू बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। हाँ, सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में टू जी एक्स प्लस में टू एफ वाई प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। तो रेडियस हमारे पास इक्वल होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। सही लिखा है ना मैंने, ये आएगा अंडर रूट। कंपेयर करोगे जी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो टू जी इज इक्वल टू फोर बाई थ्री है, तो जी इज इक्वल टू कितना टू बाई थ्री हो गया, और एफ इज इक्वल टू कितना हो गया फोर हो गया। सही है ना, तो ये आएगा अपना फोर बाय नाइन प्लस में एफ का स्क्वायर सोलह माइनस में जी कितना है थर्टी टू, सी कितना है थर्टी टू बाई थ्री। अच्छा ये सोल्व करते हैं बेटे, सोल्व करना है इसको, सोल्व करना पहले इसको, क्या आएगा सोल्व करना बच्चे पूरा प्रॉपर। ये बनेगा अपना 144 प्लस में चार 148 बाय नाइन माइनस में ये बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लेता हूँ तो 96/9 ये आएगा 148 - -96/9 ठीक है जी। और ये हमारा कितना बन गया भाई, ये बन गया जी 2 5/9 सही लिखा है ना मैंने, नहीं हाँ सही लिखा है, यही बनेगा क्या मुझे बताओ, यही बनेगा 52/9 का स्क्वायर रूट। रितेश भाई बस कर बेटे, रितेश भाई मुझे पता है किसकी बात कर रहे हैं बेटे। देखिए यहाँ पे जो राव साहब का सिस्टम है ना वो फेल हो जाता है, ठीक है बेटे। राव साहब वाले, वो राव साहब मुझे पता है कौन है, देखो मैं किसी को गलत नहीं बताना चाह रहा हूं, एक चीज मैं बता देता हूं ठीक है। z - z1 / z - z2 is equal to k। अगर k1 है देन लोकस ऑफ z जो है वो इज स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर k ≠ 1 है देन लोकस ऑफ z जो है वो इस सर्कल, वो एक सर्कल बनेगा। इतनी बात से मैं 100% सहमत हो रहा हूँ साहब आपकी, ठीक है जी। सर एक बात बोलूँ, मुझे पता है रितेश सस्ते चावल के नशे हैं। रितेश यादव कौन है भाई, लेकिन देखो गलती हो जाती है कभी कभी इंसान से, लेकिन इसका जो रेडियस है ना वो z1 / 2 के मॉडुलस के बराबर नहीं होता, नहीं होता। ऐसा सर ने करवाया था तो ऐसा नहीं होता है सर। प्रूफ ये रहा बेटे, देख लो उसके हिसाब से आंसर आना चाहिए 2/3 हाँ या ना। z1 2 है, z2 क्या है -3 आएगा, उसका मॉडुलस करोगे तो 2/3, लेकिन रेडियस आ कितनी रही है निकाली है बच्चों ने, 52/9 आ रही है। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, प्लीज ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक ना बताएं जिसका कोई पैर पूर ही नहीं हो, हाथ पैर कुछ तो हो। बच्चे का क्वेश्चन ही गलत करा दो कहीं, आप एग्जाम में बाय चांस आ ही गया, उसने आपकी शॉर्ट ट्रिक देख ली, सीधा वो तो 2/3 कर देगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। बात समझ में आई मेरे प्यारे, बात समझ में आई। इक्वेशन निकालनी है, कौन है सर जी, नहीं मैं यही नहीं बताऊंगा कौन है, मुझे मैंने वैसे देखी नहीं थी वीडियो एक्चुअली में, मैं और अर्पित सर दोनों ही, उन्होंने कहा ऐसी चीज़ होती है क्या, मैंने कहा नहीं होती। हाँ और मैं बताया मैं क्वेश्चन किस पे सोल्व कर रहा था, अखबार पे। मैं कहा यार ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा यार। नहीं ये नहीं है, अरे नहीं है, छोड़ो छोड़ो, तुम पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हो। अब जरा एक क्वेश्चन को और सोल्व किया जाए। आप देखो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया जैसे z-4 का मॉडुलस इक्वल है z+2 आइटा के, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे z + 2 z+2 डिवाइड बाय z-आइटा इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ आए तो एक मंत्र है जो ध्यान रखना है, रियल के पास जाएगा, इमेजिनरी के पास जाएगा। देखिए z में x+i-y हो, z को आप x+i-y लिखोगे, हाँ या ना लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बिल्कुल सर लिखेंगे। रियल के पास जाएगा और इमेजिनरी के पास जाएगा। दोनों के मॉडुलस इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। z में क्या हो रहा है, -4, रियल है या इमेजिनरी है? रियल है, तो रियल के पास ही जाएगा, तो रियल x के पास जाएगा, x का स्क्वायर, y अकेला रह जाएगा, y का स्क्वायर। यहाँ पे रियल है या इमेजिनरी है? इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी के पास जाएगा, मतलब y के पास जाएगा, तो x का स्क्वायर और ये y, प्लस का 2 आइटा है तो 2 आएगा, प्लस का स्क्वायर। सीधा लिखना है बेटे आपको, z की जगह x+i-y लिख के टाइम पास नहीं करना है, ठीक है जी। अब आगे तो इसको सोल्व कर सकते हो, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देना। मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल, रियल के पास जाएगा, इमेजिनरी प्लस का 2 रियल है, रियल के पास गया मतलब एक्स के पास गया, वाई बेचारा अकेला बच गया। इमेजिनरी के पास जाएगा, एक्स अकेला बच गया, यहाँ माइनस का आइटा है मतलब माइनस का 1 आएगा जी, स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे तो सोल्व कर सकते हो, समझ गए? तो क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे मुझे बताओ, अब फटाफट बताओ इसको क्या लिखोगे। शाबाश, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। रियल के पास जाएगा, इमेजिनरी के पास जाएगा, रियल है 2, इमेजिनरी है -3, तो रियल गया रियल के पास, एक्स के पास, और इमेजिनरी गया इमेजिनरी के पास, y -3 का स्क्वायर। सीधा लिखोगे हाँ या ना? स्क्वायर इसलिए लगा दिया मैंने ताकि वो रूट ना लगाना पड़े। सही है बेटे, बात समझ में आई? तो ये x के पास गया, ये y के पास गया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो मुझे मेरा ये स्टेप कम हो जाएगा। पता है आपको, ये भी मेरा स्टेप कम हो जाएगा, मैं सीधा यहाँ पहुँचूंगा, देखो कैसे। पहले तो कन्फर्म है मॉडुलस में स्क्वायर रूट आता है, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। रियल के पास जाएगा, इमेजिनरी के पास, तो ऊपर आएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, जो चीज़ डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x का स्क्वायर रहेगा और इमेजिनरी है जी y+3 इसका स्क्वायर। देखो कितना टाइम बचा, मेरे 2-3 स्टेप कम हो गए। मैं कहता हूँ 1-2 स्टेप कम करने से भी काम चल जाता है, ठीक है ना। एग्जाम में मेरे एक क्वेश्चन में बच रहे हैं तो भैया बहुत है, 5 सेकंड भी बहुत है। 11 बज गए, पता भी ना चला, 3 घंटे पता ही नहीं चला मुझे। अभी तो बाकी है 2 टॉपिक, आर्ग्यूमेंट और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बस 2 ही तो टॉपिक बाकी है। सुबह जल्दी उठना हो तो कहो, मतलब क्या, 2 मिनट बातें करो, मैं पानी पी के आता हूं। इधर आओ, आपको बच्चे याद कर रहे थे, मिस यू जतिन सर ऐसे कर रहे थे कमेंट में, देख लो। अगर कमेंट में आ गया, मेरी बात सुनो, अगर कमेंट में लिखा आ गया मिस यू जतिन सर तो करोगे ना? देखो मेरा कैसा हो गया। कमेंट में अगर लिखा हुआ आ गया मिस यू जतिन सर, मिस यू जतिन सर आना पड़ेगा। जतन सर आओ आओ आओ। देखो ओ भाई कितने बच्चे मिस कर रहे हैं आपको। ओ भाई रोला जमा दिया भाई। देखो सुबह जल्दी उठना होता है यार। दोस्ती में क्या चीज जरूरी है? दोस्ती में क्या चीज जरूरी है? क्या जरूरी है? मेरी लाइफ बहुत प्राइवेट है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता हो। सही बात। मेरी लाइफ बहुत प्राइवेट है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता हो। जितिन साहब तो जय हिंद भाई सभी प्यारे दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अब मात्र आपके एग्ज़ाम में 60 दिन का गैप बचा हुआ है। 21 अप्रैल को आपका पेपर होना है और आज लगभग आपकी 60 दिन से भी कम दिन बचे हैं भाई। अब तो आज कितनी हो गई, मतलब 21 फरवरी होने वाली है, तो लगभग आपके 59-60 दिन ही आपके बचे हुए हैं। तो कैसी चल रही है साहब आपकी तैयारी? हाँ यार देखो मेरा क्या होता है ना, मैं लगभग 11 बजे तक सो जाता हूँ और मेरा सुबह 5:30 या 6 बजे मेरा उठने का शेड्यूल है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं चलता हूँ अपने। अब मेरे को प्रवीण सर के चक्कर में रुकना पड़ रहा है, अन्यथा मैं सुबह 6 बजे अपने रूम से निकल जाता हूँ रनिंग करने के लिए। 6 से 7:30 या 7 तक मैं अपने थोड़ा बहुत, यार देखो आप लोग भी अपने फिजिक पे ध्यान दो तो अच्छा रहेगा, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चलना है तो। और वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग इतना पीपीटी वगैरह बनाते हैं, इतना पढ़ाने में इतना दिमाग का मतलब यूज़ होता है वहाँ पे, तो उन सारी चीज़ में आपका ज़रूरी है वो भी चीज़ें। हाँ क्या चीज़? ये क्या है? हटा दूँगा। फिट रहना। हाँ जी हाँ ठीक है। वैसे मॉडल्स का हो गया तो एक काम कर सकता हूँ मैं, फिर कल भी आना पड़ेगा। लेकिन कल नहीं, हम परसों लगा देंगे। अब कल तो मेरी वजह है, 7 बजे से क्लास तो मेरी है। कल आपकी क्लास है CDS पे। कितने बजे? 7:15 से। 7:15 से आगे 7:15 से 8:15, फिर परसों तो यही हो। आप यहीं होगा? कहाँ जाऊँगा? क्योंकि आपको फिर कंसेप्ट के साथ PYQ कराते हैं ना नेक्स्ट क्लास में। हाँ। अब देखो इन्हें भी, बच्चों को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। अपना रिविजन, कल बोर्ड का भी एग्ज़ाम है और रेस्ट ज़रूरी है यार। देखो एक बॉडी, ये हम लोगों की ना ह्यूमन बॉडी है, हम लोग रोबोट नहीं है भाई। मैंने आज संकल्प में क्लास नहीं ली थी। ह्यूमन बॉडी है, रोबोट नहीं है साथी। हम लोग बताए बच्चों को, बताए किस वजह से, समझदार हो आप लोग। तो रेस्ट ज़रूरी है। वो एग्ज़ाम से नज़दीक जो 10 या 15 दिन पहले हमारा जोश अलग होता है, आपको पता है। फिर हम ह्यूमन बॉडी को ही रोबोट बना देते हैं। 12-12 घंटे इन लाइटों में। आज अब मेरे को डर लगता है कि ऐसे 12 घंटे में कैसे खड़ा हो जाता हूँ इतनी लाइटों के सामने। अब मैं लगा, अब आपको पता है 5 महीने हो चुके हैं एग्ज़ाम हुए, आपके लगभग 4 महीने के आसपास हो चुके हैं। लाइटों से डर लगने लगा मेरे को। ठीक है कोई बात नहीं। सर जी एक शेर हाँ करा दो, असला सुना दो। असला याद ही नहीं आ रहा। असला फॉर एवरीवन प्लीज। वो फिजिक्स नहीं होता, वो फिजिक होती है, फिजिक। ठीक है भाई। फिजिक्स हाँ। मुकुंद वोरा कह रहे हैं क्यों पकैती काट रहे हो, पूरी करा दो ना क्लास। बेटे नहीं करा रहे, नहीं करा रहे जा मुकुंद। ऐसा नहीं है, बताया मतलब। मुकुंद भाई नहीं करा रहे, जाओ प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, जाओ। कोई हमने आपका पैसा नहीं ले लिया है कि हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। मुकुंद क्या कह रहा है? जाओ भाई जाओ। मुकुंद क्या कह रहा है? जहाँ पैसा दिए ना ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, वहाँ जाके पढ़ो। वहाँ तो पढ़ा नहीं रहा तो मैं कोई है ना, मुंह मत खुलवाए करो नालायको, मुंह मत खुलवाए करो, जा। क्या कह रहा है मुकुंद, क्या बोल रहा था मुकुंद? तेरे को लग रहा था हम ऐसे कमेंट इग्नोर कर देंगे ना, भाई ना, कतई ना। जो टीचर दिल से मेहनत करता है ना वो ऐसे कमेंट चाहता है, एक तो कमेंट ऐसा आए उसे रियल में जवाब उसका दिया जाए। कहते हैं हाँ। जतिन सर के चीते ही कहते हैं। चल जा बे बकलोल। कहने वाला तो बहुत कुछ था, क्या चिपका दिया तुमने पीछे? तो हमने यहाँ फेंक दिया। चले हाँ, देखो कोई बात नहीं, 3 घंटे की क्लास आज हो गई कि 3 घंटे की क्लास परसों, परसों तो बहाना नहीं चलेगा, चलेगा। अरे तो शनिवार ले लेना, 5 घंटे ले लेना, 6 घंटे। शनिवार को तो मैं अलग मैराथन रखूंगा, इस बार घर नहीं जा रहा मैं। 12 घंटे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे शनिवार को, बढ़िया है, बढ़िया वाला। कल तो फिर आपकी मैराथन है, वो सीडीएस वाले क्वेश्चंस ही हैं। हाँ तो कल तो सीडीएस की क्लास है ना। आज क्या है, 21-22 2-2.5 घंटे का रखो, ये 7 बजे रखो। नहीं हो जाएगा उसमें, 2 ही टॉपिक है, आर्ग्यूमेंट और क्यूब रूट। 7 बजे रख लेंगे ना, 7 नहीं, फिर वो सीडीएस वाली क्लास भी होती है, दोनों लाइव लाइव। हाँ सीडीएस का क्या लेना है इसमें, तो अलग है ना। 7 PM जेडी सर इतनी लंबी क्लास क्यों लगाते हैं भाई, वो सिला जीत लेते हैं। क्या 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 चीज कह रहे हो यार? अरे तो सिला जीत मतलब एनर्जी बूस्ट आपके लिए। जेडी सर हमें बहुत प्यारे हैं, उनसे मजाक कर सकते हैं हम। अरे तो भाई हमसे छोटे भी हैं, मतलब आप गलती क्यों लेते हो? मैं कहाँ गलत ले रहा हूँ यार? चेहरा आपका लाल हो गया, मेरा नाम ले रहे हो, गलत ले रहे हो। लाल ही रहता। हाँ नेक्स्ट क्लास मैंने लिख दिया है 22 फेब को, मैं इसको सेकंड पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। इसमें हमारा स्क्वायर रूट और आर्ग्यूमेंट और क्यूब रूट ऑफ यूनिट रहता है, और एक डी मोर्स थ्योरम रहती है, उसमें तो बढ़िया बढ़िया चीज़ करवाता हूँ डी मोर्स थ्योरम में, ठीक है। और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देंगे, और शायद 22 को बोर्ड भी नहीं होगा, और 23 को जो है अनुसर की क्लास भी है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट की मैराथन है, सही है। 22 को मेरी क्लास हो जाएगी और फिर वो 23 को भी हो जाएगी, ठीक है जी। धागा खोल दिया सर जी ने आज तो। वो शारीरिक, मेरे मुंह से सच निकल जाता है। शारीरिक समझते हैं। तो आप यार देखो 7 घंटे 8 घंटे पढ़ा पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसी नॉर्मली नहीं पढ़ाया जैसे 7-8 घंटे। अब जेडी सर उससे पूछेंगे सर सच बताएंगे, अब जब आप जो चीज जो इंसान खाता है वो होता है यार। कितना बोला यार ये इंसान। ठीक है भाई, मिलेंगे गाइस 22 को, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। और इसकी पीडीएफ जो है वो टीम अर्पित चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इकट्ठी पीडीएफ दे दूंगा 22 तारीख को, और आप तो 12 घंटे, वो जोश ही अलग होता है भाई, हेलमंत का तो जोश ही अलग होता है। आप 12 घंटे पढ़ाते हो तो मैं भी जेडी सर से थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ। टीम अर्पित टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कर देना चाहिए। ठीक है भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सब प्यारे बच्चों को बाय बाय।